लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री, है तो अभी भी अपन सरफेस केमिस्ट्री कंटिन्यू करते हैं, और पहले अपन सरफेस केमिस्ट्री को खत्म कर लेते हैं भाई। सरफेस केमिस्ट्री खत्म हो गया, राइट? पहले अपन सरफेस केमिस्ट्री को खत्म करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में लास्ट टाइम अपन प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ कलर्स, उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कलर्स, उसमें अपन ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा था, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा था, है ना? तो अपन अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसे अपन ने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट मूवमेंट ब्राउनियन मूवमेंट होता है जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन कोलाइड सॉल्यूशंस। सो पार्टिकल्स, द कोलाइडल पार्टिकल्स, हां कोलाइडल पार्टिकल्स तो आर इन कंटिन्यूअस मोशन इनसाइड द सॉल्यूशन। पार्टिकल्स कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन इन द सॉल्यूशन, जिगजैग मोशन इन द सॉल्यूशन। तो एक्चुअली व्हाट वी सेड दैट कि पार्टिकल जो रहते हैं वो सोल्यूशन में, ये जो पार्टिकल्स होते हैं तो उनका ना जिगजैग मोशन होता है। कोई जरूरी नहीं कि उनकी क्या मोशन होगा, वो दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करके फिर कहीं और चले जाएंगे, फिर पार्टिकल से कोलाइड करके कहीं और चले जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल। वी कैन नॉट डिसाइड कि मतलब क्या होगा मोशन का, व्हाट विल बी द पाथ। अगर मास ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है ब्राउनियन मोमेंट का। सो If mass is more, the moment will be less. Obviously, बात है जैसे will be less, but it will be more at high temperature. Obviously, बात है temperature बढ़ा होगा तो kinetic energy बढ़ेगा, kinetic energy बढ़ेगा तो zigzag motion बढ़ेगा। And these zigzag motion of particle in the colloids are responsible for the stability of colloids. Higher the Brownian moment, अब जैसे अपन कहेंगे ना, जैसे लिस्ट्रीन होता है, अपन सब ने देखा होगा, ब्लू कलर भी होता है लाइक दैट ना, तो माउथ वॉश जो आता है, अपन को पता है उसमें जो ब्लू कलर पार्टिकल है वो कभी प्रेसिपिटेट नहीं होते। What was the reason for that? तो अपन कहते हैं उसमें पार्टिकल हमेशा zigzag motion में होता है, that is colloidal property. वो colloidal solution में, और उसकी प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल हमेशा मोशन में रहेंगे। अगर वो मोशन में नहीं रहेंगे तो प्रेसिपिटेट होंगे, अगर वो कोलाइड करके घूमते रहेंगे तो देयर विल बी अ जिगजैग मोशन। सो जितना ज्यादा जिगजैग मोशन होगा पार्टिकल्स का उतना ज्यादा कोलाइडल स्टेबिलिटी होगा। सो द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्व, will depend on the colloidal solid will depend on the Brownian moment. जितना ज्यादा Brownian moment होगा उतना ज्यादा solubility, उतना ज्यादा stable होगा। Even Brownian moment से बहुत सारे properties भी बता सकते हैं। बट इतना तो अपन को चाहिए, इतना तो अपन को पता होना चाहिए, इससे ही अपन से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे फिर पूछेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। जितना भी कोलाइडल पार्टिकल्स होता है ना, सब में चार्ज होता है। ऑल कोलाइडल पार्टिकल्स हैव चार्ज,
या तो सभी के पास पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर सभी के पास नेगेटिव चार्ज होता है। ऑल कोलाइडल पार्टिकल्स आर चार्ज्ड, आइदर दे हैव नेगेटिव चार्ज और दे हैव पॉजिटिव चार्ज, आइदर दे ऑल हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, मतलब सभी के पास या तो नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज। सो ड्यू टू द रिपल्शन अमंग देम, उस रिपल्शन की वजह से तो रिजेक्ट मोशन होता है, द रिपल्शन अमंग देम, अमंग देम दे आर रिपेल्ड बाई ईच अदर, बाई ईच अदर एंड डू नॉट गेट प्रेसिपिटेट, इसलिए वो कभी प्रेसिपिटेट नहीं होते। प्रेसिपिटेट द डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज ऑलवेज हैव अपोजिट चार्ज, ये अपन कहेंगे डिस्पर्स फेज में मिल रही है, जैसे पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल है ना, नेगेटिव चार्ज, एक मिनट रुकना, सुम हो गया क्योंकि लिखना भी पड़ेगा फिर तो। सो डिस्पर्स फेज जो होता है ऑलवेज हैव सिमिलर चार्ज ऑफ एस डिस्पर्सन मीडियम, सिमिलर चार्ज एज ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। अब लो भाई इससे क्या हो जाएगा, अपन कोई सोल्यूशन बनाएंगे तो पार्टिकल भी आपस में रिपेल कर रहे हैं और सॉल्वेंट से भी रिपेल कर रहे हैं, तो प्रेसिपिटेट कैसे होगा? अगर कोई पार्टिकल अट्रैक्ट करेगा तो अपन प्रेसिपिटेट करवा सकते हैं। मान लो सभी पार्टिकल जो हैं सोल्यूशन के अंदर उन सब में नेगेटिव चार्ज है और सॉल्वेंट जो यूज किया वो भी नेगेटिव चार्ज, तो वो तो आपस में रिपेल करते रहेंगे, बट तो उनमें हमेशा कंटिन्यूस मोशन होगा, कंटिन्यूस मोशन होगा तो वो कभी प्रेसिपिटेट हो ही जाएंगे। दैट्स व्हाई अपन जो लिस्ट्रीन होता है, डाइजीन होता है, वो पिंक कलर का देखा होगा आपने, वी कैन कीप इट फॉर इयर्स, वो प्रेसिपिटेट नहीं होते, मतलब जो ब्राउनियन मोमेंट होता है वो इयर्स, बहुत मेनी इयर्स तक चलता है, वो आपस में रिपेल करके मेनी इयर्स तक उनमें ब्राउनियन मोमेंट रहता है, वो रिपेल करते रहते हैं। सो दे डू नॉट गेट प्रेसिपिटेट एंड दैट वाज द रीजन द चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउनियन मोमेंट एज वेल एज फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल्स। अब ठीक है, हमें एक तीन लाइन लिख के, मतलब ज्यादा नहीं भी लिखते तो भी चलता, अपन बोल देते भाई जितने पार्टिकल हैं सभी के पास जो चार्ज है सभी के पास एक जैसा चार्ज होगा, सो वो रिपेल करेंगे और जो सॉल्वेंट में आपने बनाया वो भी सेम चार्ज है, उससे भी रिपल्शन होगा। सो फिर प्रेसिपिटेशन हो ही नहीं सकता, तो अपने लिए मतलब जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ना वो होगा कि कौन से पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और कौन से नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो अपन एक ऐसे लिख लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स, चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स एंड नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स, चार्ज कोलाइड्स। तो पर ये देख लेते हैं कि कौन से पॉजिटिवली चार्ज होते हैं कौन से नेगेटिवली चार्ज होते हैं कोलाइड्स। तो कुछ कुछ अपन ऐसे लिखते हैं, जैसे पॉजिटिवली चार्ज की बात करेंगे अपन, तो जनरली मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड वो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स होते हैं, जैसे FeOH होता है, CaOH होता है, कैल्शियम होगा तो क्रोमियम लिख लेते हैं, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड इट्स अ ग्रीन पीपीटी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इट इज जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिंक हाइड्रोक्साइड इट इज व्हाइट पीपीटी, मतलब जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी एक्सेट्रा, दे आर द मेटल हाइड्रोक्साइड्स व्हिच आर नेगेटिव व्हिच आर पॉजिटिवली चार्ज।
पॉजिटिवली चार्ज में अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज मेटल हाइड्रोक्साइड के अलावा ऑक्साइड ऑफ टाइटेनियम, यही ओ टू ले लेते हैं, क्योंकि एक ही ऑक्साइड अपन को पढ़ना होता है। अपन तो अपने सिलेबस के हिसाब से चले हीमोग्लोबिन, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, राइट? हीमोग्लोबिन दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, मेनली तो अपन से इसी से पूछते हैं। द बेसिक डाइज एज मेथाइलिन, अब डाइज के तो स्ट्रक्चर ही बड़े बड़े होते हैं, उसके अपन छोड़ देते हैं, बस मेथाइलिन जो लेते हैं, बट ईओसी नहीं, कॉन्कोरेंट टाइप जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नेगेटिवली चार्ज में आई विल राइट दैट मेटल सॉल्स, अपन को पता है हम मेटल सॉल में वो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन स्टिक हो जाता है ना, मेटल सॉल ब्रेडिक्स आर्क मेथड में जब बनाते हैं, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम लेड कॉपर मेनली इन्हीं से पूछेंगे क्वेश्चन, उनको तो लिख ही लेते हैं जो अपन से क्वेश्चन पूछेंगे। मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड भी अपन लेते हैं, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड है, कैडमियम सल्फाइड है, एंटीमनी सल्फाइड है ना, ये येलो, ये येलो, ये ऑरेंज, एंटीमनी सल्फाइड दैट इज ऑरेंज, राइट? फिर थर्ड आई कैन राइट दैट इसमें बेसिक डाई था, इसमें एसिडिक डाई है। एसिडिक डाइज लाइक इओसिन या कॉन्गोरेट या फिर कॉन्गोरेट हो जाएंगी। अब इओसिन एंड कॉन्गोरेट वो अपनी आ जाएंगे, फिर अपन लिखेंगे देखिए फोर्थ में, जैसे हीमोग्लोबिन अपन ने लिखा ना, that is positively charged, but blood is negatively charged, blood is negatively charged, इस बात को ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ब्लड इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, जो अपना ब्लड होता है दैट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, थिकनेस होता है उसमें, रेड कलर इसीलिए तो दिखता है, बट प्रेसिपिटेट नहीं होता। मडी वाटर, अपन इसमें ये भी लिख सकते हैं रिवर वाटर, रिवर वाटर इज नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज, एक मिनट मुझसे गलती है, सी वाटर इज पॉजिटिवली चार्ज बट रिवर वाटर इज नेगेटिवली चार्ज, वो कैसे पता, अपन कैसे बताएंगे? अपन को पता है कि जो डेल्टास बनते हैं ना, सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा, डेल्टा कब बनते हैं? एट द माउथ ऑफ द रिवर, जब वो सी में मिलता है, रिवर वाटर नेगेटिवली चार्ज होता है, वो फ्लो करके आता है, और सी पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो एट द माउथ जब वो रिवर सी को मिलता है ना, तो वहां न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन की वजह से जब रिवर सी में मिलेगा तो क्या होगा, वहां ज्यादा डेप्थ नहीं होता रिवर का, रीजन क्योंकि वहां तो न्यूट्रलाइजेशन की वजह से सैंड बनता है, क्योंकि रिवर वाटर इज नेगेटिव चार्ज एंड सी वाटर इज पॉजिटिवली चार्ज, सी वाटर में कैटायन बहुत होते हैं ना, मैग्नीशियम कैल्शियम और सोडियम, वो न्यूट्रलाइज करते रहते हैं रिवर वाटर, मडी वाटर इज नेगेटिव चार्ज, और वही तो डेल्टा मेन रीजन तो मडी वाटर ही है, बारिश में ही तो सबसे ज्यादा डेल्टा बनता है, पूरा मड जाके फ्लो करके वहां डेल्टा बना देता है, जो मोस्टली लायोफिलिक होते हैं ना सॉल्ट्स, लायोफिलिक सॉल्ट्स, वो सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज हैं। मैं पहले नहीं लिखूंगा लायोफिलिक, लायोफिलिक बाद में बताऊंगा। स्टार्च, गम, एंजाइम, सर मिल्क कौन सा होगा? एंजाइम, प्रोटीन,
मिल्क में, मिल्क का न्यूट्रलाइजेशन कब होता है? तो मिल्क में तो अपन कहेंगे कोलाइड्स जो होगा ना उसमें तो इमल्शन है ना, दो लिक्विड्स होंगे ना वो तो। वाटर में मिनरल्स होंगे पॉजिटिवली चार्ज, तो फैट में नेगेटिव, फिर डिसॉल्व। फैट क्या होता है? एस्टर्स। सुनो मिल्क है तो कोलाइड ही ना, मतलब मिल्क इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ना, बट दैट विल बी इमल्शंस। उसमें दो लिक्विड्स होते हैं मिल्क में, समझा सर? तो एक्सेट्रा। तो मैंने ना ये जो थे ना आपके पास ये वाले, ये सारे का सारे आपको बन गएंगे सर, ये तो लायोफिलिक लिख रहे हो आप, मतलब लायोफिलिक को जनरली आप क्या बोल रहे हो, दे आर नेगेटिवली चार्ज जो लायोफिलिक हो गया, है ना? अब देखो इनमें जो चार्ज आया ना, एक तो लिखते हैं अपन रीजन फॉर चार्ज, फिर अपन देखेंगे कि वो चार्ज में अपन से कन्वर्ट है। एक तो होता है सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन मतलब जब पेप्टाइजेशन कर रहे थे ना अपन, तो कौन सा आयन एक्सेस में है उससे अपन पॉजिटिव और नेगेटिव बना रहे थे ना, तो व्हेन पेप्टाइजेशन टेक प्लेस the selective ions adsorb on the surface, ions adsorb on surface of PPT, वो कौन एक्सेस में ले रहे हैं अपन उस पर डिपेंड करता है। मुझे नहीं लगता अपन को वापस लिखना चाहिए। अपन एक एग्जाम्पल लिखे ब्रडिक्स आर्क मेथड, उसमें तो मेटल सॉल्व बनाया था अपन, नेगेटिव चार्ज मेटल। What we can read that? Frictional electrification by frictional electrification of particles, frictional electrification by mutual rubbing of particles. But what एक और word use कर देते हैं, mutual rubbing of particles. MU है mutual. Rubbing of particles, a particle in the solution. मतलब जो अपन सोल्यूशन बनाते हैं ना उसमें जो पार्टिकल टकराते हैं तो वो टकराने से उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, उसकी वजह से भी चार्ज फॉर्म होता है उन पे, पार्टिकल्स पे चार्ज आता है उसकी वजह से, राइट? तो उसकी वजह से भी चार्ज आता है पार्टिकल्स पे, ठीक है? तो ये भी रीजन होगा। ड्यू टू द म्यूचुअल इलेक्ट्रिफिकेशन, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन एंड ब्रडिंग साथ। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, उस पर चार्ज आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से थोड़ा क्वेश्चन अपन को पूछ सकते हैं। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो म्यूचुअल इलेक्ट्रिफिकेशन है ना, अपन कहेंगे देखो अगर मान लो अपने पास ऐसे गिवन था और इसको अपने ये करवाया के एक के साथ, इसको एक्सेस में ले लेता तो पता क्या होगा, एजीएल का पीपीटी बनेगा। अब बाद में के पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे के पॉजिटिव पे लिखा जाएगा, इस पे अपन कहेंगे अब ये एक्सेस में है और इसमें आई नेगेटिव है तो आई नेगेटिव, ये आई नेगेटिव पे लिखा। अगर आई का कॉन्सेंट्रेशन होगा ना
तो ये आई नेगेटिव के पॉजिटिव भी एक्सेस में है, तो वो थोड़ा थोड़ा के पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट करेगा। अगर के पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट करेगा तो देयर विल बी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर ऑन द पी बॉडी, थोड़ा साइज और बढ़ गया। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, डबल लेयर। बट अपन को पता है कि ये वाला लेयर तो वीकली अट्रैक्टेड होगा, बट ये वाला लेयर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होगा। फर्स्ट लेयर इज स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड, देन सेकेंड। So the second layer is called diffuse layer. Second layer is called, क्योंकि उसको इजीली अपन हटा सकते हैं ना, वो वीकली अट्रैक्टेड है, diffuse layer, diffuse layer। अपन को एक बात पता है कि इसका अट्रैक्शन टू द AGN विल बी मोर देन इसका अट्रैक्शन टू द आई नेगेटिव डिस्टेंस। अगर ये दोनों लेयर्स डिफरेंट अट्रैक्शन शो करेंगे इससे, तो इन दोनों के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो। सो विल रीड दैट, ड्यू टू डिफरेंस इन अट्रैक्शन ऑफ द टू लेयर्स of two layers, there develops the potential difference. Obviously, बात है दोनों का अलग अलग potential होगा, the potential difference between the two layers. This potential difference is called electrokinetic potential. यह अपन इसे जीटा पोटेंशियल भी कहते हैं, जीटा पोटेंशियल। इसको अपन इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं और जीटा पोटेंशियल भी बोलते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेयर्स ना, जो दो लेयर्स अपन ने बनाए ना, दैट इज आल्सो कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। द टू लेयर्स इज कॉल्ड Helmholtz double layer. It was explained by Helmholtz, and he calculated the zeta potential, yeah, electromagnetic potential. Right? अब अलग अलग पार्टिकल में जो सिमिलर चार्ज होता है ना, उन पर रिपल्शन होता है, रिपल्शन की वजह से ही कोलाइडल पार्टिकल स्टेबल होते हैं। सो जितना ज्यादा इनके ऊपर चार्ज होगा उतना ज्यादा पार्टिकल में रिपल्शन होगा, और जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो अगर मैं ये हटा दूं तो अपन कहेंगे फिर इस पर चार्ज नहीं होगा, फिर वो वापस प्रेसिपिटेट बन जाए। मतलब जितना कम चार्ज होगा उतना कम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, उतना कम जीटा पोटेंशियल, उतना कम स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा रिपल्शन, उतना ज्यादा जीटा पोटेंशियल, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। लाइक दैट वी राइट। सो अपन कहेंगे
द हायर द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑफ जीटा पोटेंशियल. अगर जीटा पोटेंशियल ज्यादा होगा द हायर द वैल्यू ऑफ जीटा पोटेंशियल इंडिकेट्स, या अपन ऐसे लिख लेते हैं हायर वैल्यू ऑफ जीटा पोटेंशियल इंडिकेट्स व्हाट, पहले ये लिख देते हैं बाद में बोल देंगे. The higher value of zeta potential, तक ही पर बता रहे हैं, zeta potential ज़्यादा होगा तो ज़्यादा stability. The higher value of zeta potential, जितना ज़्यादा zeta potential होगा उतना ज़्यादा stability होगा अपन के. The higher value of zeta potential indicates the high degree of repulsion between. High value of repulsion between the colliding particles. और जितना ज्यादा उनमें repulsion होगा उतनी ही ज्यादा stability होगी, है ना? मैं इस पर उतना ही ज्यादा उनमें stability. सर ये नहीं समझा. सर रिपल्शन ज्यादा होने से स्टेबिलिटी, कुछ बोल रहा था आवाज नहीं आई थी, अभी बोलो. सर रिपल्शन ज्यादा होने से ये नहीं समझ. एक बात बता, अगर किसी पार्टिकल है तूने मतलब दवाई रखी हुई है, मतलब मेडिकल जो लिक्विड मेडिसिन होते हैं उसमें पार्टिकल आपस में रिपेल करेंगे तभी तो वो मेडिसिन में रहेंगे अंदर. अगर आपस में रिपेल नहीं करेंगे तो फिर तो सेडिमेंटेशन हो जाएगा. तो ये आपस में रिपेल करते रहेंगे तो एक दूसरे से भागते रहेंगे, दूर दूर भागते रहेंगे तो वो आपस में चलते रहेंगे, फिर वो रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं तो फिर वो कभी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा. तो इनके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा इनमें रिपल्शन, जितना ज्यादा रिपल्शन उतना ज्यादा उनका जीटा पोटेंशियल, उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी, फिर वो रुकेगा नहीं ना, पार्टिकल चलता रहेगा, ब्राउनिंग मोमेंट चलता रहेगा. और सर यहाँ पे पहला लेयर I- का ही क्यों बना, मतलब K+ का भी बन सकता था ना? K का नहीं बन सकता ना, लास्ट टाइम पेप्टाइजेशन पढ़ाया था, जो एक्सेस में होगा उसी से लेयर बनेगा ना. प्रेसिपिटेट किसका बनेगा? एजीआई का. तो जो एक्सेस में है एजीआई के साथ कौन सा आयन कॉमन है? आई नेगेटिव, तो उसी आई नेगेटिव का बनेगा पहला लेयर. ये तो डिफ्यूज लेयर है, ये तो पता ही नहीं था मैंने पेप्टाइजेशन में, ये तो अभी बताया. लेयर तो यही बनेगा ना, ये बनेगा तो कोलाइडल पार्टिकल बनेगा, लास्ट टाइम ही तो पढ़ाया तुमने. ठीक है, सो अपन कहेंगे जीटा पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द दिस एंड विल से दैट बिटवीन द दिस. सो द रिपल्शन बिटवीन, वैसे तो मैक्सिमम रिपल्शन ये तो डिफ्यूज लेयर है, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको अपन कहते हैं जीटा पोटेंशियल. उसी पोटेंशियल से तो रिपल्शन शुरू होगा. इसका मतलब है सीधी सीधी बात, रिपल्शन बिटवीन द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ जीटा पोटेंशियल. जीटा पोटेंशियल, अगर जीटा पोटेंशियल का वैल्यू जीरो हो जाए तो कोलाइडल पार्टिकल प्रेसिपिटेट हो जाएगा. ठीक है, सब वी कैन राइट दिस. किसी को डाउट है तो बोलो. किसी को डाउट है तो बोल. दैट इज सो, ये अपना इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज था, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हैं व्हाट यू हैव डन. नेक्स्ट अपन लिखेंगे, सिंस अब ये चार्ज तो होता ही है कोलाइडल पार्टिकल में, और कोलाइडल पार्टिकल में जो चार्ज होगा ऑब्वियसली बात है अपन कहेंगे अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो अपन को पता भर होगी कौन सा चार्ज प्रेजेंट है. तो हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस से किस डायरेक्शन में मूव करेगा.
जैसे अपन कहेंगे हमको पता है कि आर्सेनिक सल्फाइड नेगेटिवली चार्ज है, अभी आपने सेपरेट करके बताया, मेटल हाइड्रोक्साइड पॉजिटिवली चार्ज, टाइटेनियम ऑक्साइड, हीमोग्लोबिन, मिथाइलिन ब्लू, सब आपने पॉजिटिवली चार्ज बताया, सी वाटर आपने पॉजिटिवली चार्ज बताया, नेगेटिवली चार्ज सल्फाइड मेटल सॉल्ट्स, देन वी रन रिटन दैट इओसिन डाई एंड कॉंगो रेड, मडी वाटर, रिवर वाटर, दे आर नेगेटिवली चार्ज, ब्लड इज नेगेटिवली चार्ज। तो वी आर एबल टू टेल कि अगर मुझे चार्ज गिवन है तो किस इलेक्ट्रॉन की तरफ माइग्रेट करेगा ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी कैन राइट दैट कोएगुलेशन, कोएगुलेशन इज रिवर्स ऑफ पेप्टाइजेशन, इज रिवर्स ऑफ पेप्टाइड, रिवर्स ऑफ पेप्टाइजेशन ऑफ पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या था, ये पेप्टाइजेशन ही तो किया था आपने, जो पीपीटी बना उसको कोलाइडल पार्टिकल बदल दिया, दैट इज पेप्टाइजेशन। तो फिर कोएगुलेशन क्या होता है, तो अपन कहेंगे कोएगुलेशन होता है, सो द फिनोमेना ऑफ कन्वर्टिंग, द फिनोमेना ऑफ कन्वर्टिंग, ऑफ कन्वर्टिंग द कोलाइडल सोल्यूशन, solution solve into the precipitate by adding the suitable electrolyte, by adding the suitable electrolyte, electrolyte is called coagulation. Coagulation ठीक है, इसका मतलब है कोलाइडल सॉल्ट को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना है तो कोएगुलेशन, और अगर प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्ट में कन्वर्ट करना है तो पेप्टाइजेशन, दोनों इस एक दूसरे के रिवर्स है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन को मान लो कोएगुलेशन करना है किसी का, तो अपन कहेंगे कि भाई देख कोएगुलेशन करने के लिए वी रिक्वायर, ये प्रोसेस तो अपन को समझ में आ रहा है ठीक है, सो कोएगुलेशन इज जनरली कैरिड आउट, इज जनरली कैरिड आउट, कैरिड आउट बाय एडिंग द अपोजिटली चार्ज आयंस। अगर नेगेटिव चार्ज कोलाइड्स है तो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा इज अ कोएगुलेशन, एडिंग द अपोजिटली चार्ज आयंस, चार्ज आयंस, तो अपोजिट चार्ज आयंस को ऐड करेंगे, तो जैसे इसमें अगर नेगेटिव चार्ज ऐड कर दो कोई कैटायन, तो थोड़ा एक्सेस में ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज को छीन लेगा, आई नेगेटिव को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू पीपीटी राइट। सो अपन क्या करते हैं, कोएगुलेशन होता है, द मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट, the 1 liter of colloidal solution, of colloidal solution is called coagulation value. So, अपन उसमें ना minimum amount लिख लेते हैं, the minimum millimoles, the minimum millimoles. तो minimum होगा तो ज़्यादा अच्छा है, वरना हम तो कहेंगे कितना भी millimoles डाल दो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, तो minimum millimoles चाहिए। So it is called coagulation, and the millimoles are called, minimum millimoles are called coagulation value, are called coagulation value,
वैल्यू और फ्लॉकुलेशन वैल्यू, इसको फ्लॉकुलेशन भी बोलते हैं, फ्लॉकुलेशन वैल्यू। अब वी नो दैट कि भाई अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है तो एनायन से कोगुलेट करेंगे, कुछ एग्जाम्पल पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स आर कोगुलेटेड बाय एनायंस, चार्ज कोलाइड्स आर कोगुलेटेड बाय एनायंस। Negatively charged collides are coagulated by cations। वैसे तो अपन कहेंगे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, वो पॉजिटिव चार्ज को भी अगर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे, जैसे अपन कहेंगे भाई NaCl डाल दिया, तो अपन कहेंगे NaCl ऐड करने से तो ना भाई सोडियम आयन है तो एनायन कोगुलेट हो सकता है और Cl- आयन है तो कैटायन भी कोगुलेट हो सकता है, दोनों ही कोगुलेट हो सकता है। भाई अगर मेरे पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें NaCl डाल देता हूं तो अपन कहेंगे ये तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा। यहां तो आपने ये कहा है कि भाई अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज से कोगुलेट हो जाएगा और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज से कोगुलेट हो जाएगा, तो ठीक है। लेकिन अपन कहेंगे अच्छा ठीक है मैंने Al2SO4 ऐड किया तो अपन कहेंगे देखो जरा इसमें चार्ज बहुत ज्यादा है, इसका एक आयन तीन मोल चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता है, मतलब इसका कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा इससे क्योंकि इसका एक मोल दो मोल चार्ज को ही न्यूट्रलाइज कर पाएगा। अच्छा तो फिर इसका मतलब मुझे कोगुलेटिंग पावर भी देखना पड़ेगा। सो द कोगुलेटिंग पावर ऑफ कैटायन एंड एनायन विल बी डिफरेंट एंड इट इज गिवन बाय हार्डीज कुल रूल, अपन उसको कहते हैं हार्डीज कुल रूल, तो अपन उसको ऊपर लिखते हैं कोगुलेटिंग पावर ऑफ कैटायन एंड एनायन इज कैलकुलेटेड बाय हार्डीज रूल, उसको अपन कहते हैं हार्डीज कुल रूल। सो कोगुलेटिंग पावर पावर ऑफ कैटायन एंड एनायन इज कैलकुलेटेड बाय, अब उसमें हमें क्या फर्क पड़ता है, आपने बता तो दिया हायर द चार्ज मोर इज द कोगुलेटिंग पावर, बस ये है कि अगर अपन को डेफिनेशन पूछ लिया है स्कूल में तो अपन को बताना पड़ेगा। वो अपन को बता तो चलो रूल बोल देता है, बिल्कुल क्या रूल्स बोलना है बोल दो हमें क्या। सो कोगुलेटिंग पावर ऑफ कैटायन लिख देता है और एनायन लिख देते हैं, उसमें क्या है कोगुलेटिंग पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, बैलेंस ही अगर जाता है तो कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होता है, मतलब अपन क्या लिख लेंगे coagulating power will be directly proportional to valency। वैसे अगर experimentally देखें तो valency का square होता है and coagulation value power will be inversely proportional to coagulating value, मतलब minimum जितना minimum electrolyte use होगा तो minimum moles ना, जिसके अपन को मिनिमम मोल्स लेने पड़े उसका पावर ज्यादा रहा होगा, जिसके मिनिमम मोल्स लेने पड़े उसका पावर ज्यादा रहा होगा, और पावर किसका ज्यादा होता है जिसमें वैलेंसी ज्यादा होता है, जैसे अपन को कोगुलेटिंग पावर ऑफ कैटायन लिखते हैं पावर ऑफ कैटायन, तो अपन कहेंगे जिसमें चार्ज ज्यादा उसका कोगुलेटिंग पावर ज्यादा। तो देखो अपन एल्यूमिनियम 3+2
उसका कोगुलेटिंग पावर मैग्नीशियम से ज्यादा होगा, मैग्नीशियम के सोडियम से ज्यादा होगा, ऐसे लिखेंगे। वैसे सेम चार्ट में पूछते नहीं है, अगर सेम चार्ज में पूछे इसे कभी पूछा नहीं, पर मतलब लिखेंगे तो बस ये कि अपन प्रयास करेंगे, अपन ऐसे लिख सकते हैं, लिख दो सेम चार्ज, या कभी पूछते नहीं है, ये ऐसे लिख देता हूं, अगर जरूरत पड़े तो यूज करना, नहीं तो नहीं करना, इसी को ध्यान रखो बस। फिर अगर साइज बड़ा होगा तो अपन फिर ज्यादा कोऑपरेटिव पावर बता देंगे, अगर चार्ज सेम है ना तो साइज से चेक कर देंगे। बस मुझे लगता नहीं कि चार्ज के बारे में बात करेंगे कि चार्ज सेम है, कभी आज तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं हमने। कोगुलेटिंग पावर ऑफ एनाइल्स, इतना तो ध्यान रखो कि चार्ज ज्यादा होगा तो कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा। लग जाती है ठीक है, दिस इज कॉग्निटिव वैल्यू एंड कॉग्निटिव पावर, अपने लिए ये थोड़ा ज्यादा मैटर करेगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी लिख देगा, न्यूमेरिकल लिख देंगे भाई, चलो ठीक है न्यूमेरिकल, जैसे अपन देखें कि भाई बस इतना ही, एक एग्जाम्पल लिख लें है ना, फॉर कॉगुलेशन ऑफ 100 ml आर्सेनिक सल्फाइड है ना, अगर अपन को आर्सेनिक सल्फाइड अपन को पता है जैसे नेगेटिव रिचार्ज है, सो 100 ml ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्व है ना, अपने रिक्वायर्ड होगा 5 ml ले लेते हैं, या मतलब ठीक है 5 ml ऑफ 1 मोलर, 5 ml ऑफ 1 मोलर NaCl इज रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ द फ्लॉक्युलेशन वैल्यू ऑफ NaCl। अपन कहेंगे भाई डेफिनेशन बताओ क्या था, द मिनिमम मिनिमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कोगुलेट 1 लीटर ऑफ फ्लोरा है ना, अपन को 1 लीटर बताना था, तो अपन कहेंगे ठीक है पहले कॉपी कर लो, तो कह रहा सर रुक जाओ एक मिनट कॉपी कर ले अपन, उसके बाद फिर आप बताना ठीक है। एच पॉजिटिव का ज्यादा इससे आया क्योंकि उसमें कटाइन तो है लेकिन उसकी न्यूट्रलाइज उसका मास बहुत कम कर होने की वजह से उसका मोबिलिटी बहुत हाई होता है, मोबिलिटी बहुत हाई होगा तो जल्दी से न्यूट्रलाइज भी करता है। मोबिलिटी बहुत ज्यादा होता है एच प्लस आई हो गया, आगे चेक करें तो सो मिलीमोल्स ऑफ NaCl इक्वल टू 5 × 1 दैट इज 5 रिक्वायर्ड टू कोगुलेट 100 ml ऑफ AS2S3, therefore millimoles of NaCl
required to coagulate 1 liter of solution. आपने 1 liter के लिए बताया, 1 liter of solution of salt is equal to 50. 5 millimoles 100 के लिए तो हो गया, बस यही होता है, तो इसमें कुछ है ही नहीं है, है ना? Therefore coagulation values ऐसे क्वेश्चन होगा और आता है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए अपन ने कहा था मिनिमम लिखो ताकि अपने पास डेफिनेशन बिल्कुल एग्जैक्ट रहे, फिर कोई गलती ना करे। जितना ज्यादा अपन को अच्छे से पता होगा उतना अच्छे से अपन बता पाए। ये लो, ये होता है आपका कॉम्बिनेशन। देखो लिख लो उसको, जब हो जाए तो बता देना। देखिए this is about the coagulation and the coagulating power. Now we have to study protective power of life in salt. And gold power. एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे अब इसको पर मतलब ऐसे कोई अपन को लिख के बताना तो है नहीं डेफिनेशन। चलो देखते हैं व्हाट इज प्रोटेक्टिव पावर। अब जो लायोफोबिक सॉल होते हैं वो इजीली प्रेसिपिटेट भी हो जाते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं कि जो भी लायोफिलिक सॉल होते हैं ना, लायोफिलिक सॉल, लायोफोबिक सॉल, जैसे अपन मेडिसिन की बात कर लेते हैं, मेडिसिन में क्या होता है, बार बार बॉटल को ओपन करेंगे ना तो उसके अंदर एयर जाएगा, एयर में तो एसिडिक गैसेस भी प्रेजेंट है, बेसिक भी प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, तो मेडिसिन इजीली प्रेसिपिटेट हो सकता है। अपन क्या करते हैं उसमें लायोफिलिक सॉल, कुछ बहुत अच्छे लायोफिलिक सॉल होते हैं वो, उनको अपन थोड़ा सा ऐड कर देते हैं लायोफिलिक सॉल, तो वो क्या करते हैं लायोफिलिक, इसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर है। मतलब सीधी सीधी की बात है, एक वड़ा पाव खरीदे उसको पेपर में डालकर रैप करके दे दिया, ले भाई वड़ा पाव की जगह तुम बर्गर भी दे सकते। एक तरीके से अपन क्या कर रहे हैं कि सॉल के अंदर सारे पार्टिकल को रैप कर दे रहे हैं, उनको प्रोटेक्टिव लेयर में क्लोज कर दे रहे हैं। और जो प्रोटेक्टिव लेयर बनता है ना जनरली, वो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ लायोफिलिक होता है, लायोफिलिक होता है, इसी को कहते हैं प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक।
अपन देखिए इधर सर पावर लिखा हुआ है, पावर का मतलब है कि अपने पास मान लो एक ऐसे मैंने एक मेडिसिन बनाया बॉटल में या वेजल में एक मेडिसिन बनाया, ये बना लिया, मुझे पता है ये इजीली प्रेजेंटेट हो जाते, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे बताओ सर इसमें कितना मिनिमम मिलीग्राम ऐड करो, मिलीमोल्स ऑफ, अब इसको मिलीग्राम में लेना होता है, तो मिलीमोल्स में नहीं मिलीग्राम, मिलीग्राम ऑफ लाइफ, मतलब अपन को क्या करना है कि ये भाई मिनिमम ऐड करना चाहिए ना, मतलब अलग अलग प्रोटेक्टिव पावर्स होते हैं अलग अलग चीजों के, जैसे एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, सोप सॉल्यूशन का भी प्रोटेक्टिव पावर होता है, स्टार्च का भी प्रोटेक्टिव पावर होता है, जैसे मोस्ट ऑफ दी स्टेशन, बड़े स्टेशन पर नहीं है पर थाना है, कोई दादर वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े स्टेशन, छोटा स्टेशन जो होता है वहां जो चाय वगैरह बनेगा ना वो कैसे बना, पानी दिया उसमें यूरिया डाल दिया व्हाइट कलर आ गया, रुकोगे तो वो सेडिमेंट आ जाएगा, हमने क्या किया जो यूरिया के पार्टिकल था ना उनमें रिपल्शन बना देते हैं, तो वो हमेशा सेडिमेंट नहीं होगा ना, अपन को लगेगा बढ़िया मिल्क है, मिल्क नहीं है वो यूरिया है, वो क्या करेंगे इसमें सोप डाल देंगे, सोप उन यूरिया पार्टिकल्स में प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, वो आपस में रिपेल होते रहेंगे, वो न्यूट्रलाइज होंगे, उनका मिल्क तैयार, अब वो चाय बनाएंगे उसके, अब प्रोटेक्टिव पावर की वजह से वो सेडिमेंट भी नहीं होते, ब्रेक भी नहीं होते, और अपन उस चाय को पीते हैं, यूरिया सोप बढ़िया आराम से, कैसे करोना होगा अपन को, मर जाएगा करोना, ठीक है, उस टाइम से बनाते हैं, बहुत सारा होता है सर, वेस्टर्न यूपी में तो बहुत बनता है, सही ना, यूरिया डाल के सोप डाल के मिल्क बन गया, खिलाओ, तो अब उनको थोड़ी पता रहता कितना ऐड करना है, तो अपना उठाया हमने कहा हाँ नहीं हो रहा प्रेसिडेंट, हो गया तो नहीं ऐड करना ना, तो नहीं जब शुगर डाल दोगे तो टेस्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है, मीठी लगेगा भयंकर रेसिपी है और क्या, ये तो भयंकर रेसिपी, तुम नहीं पता मुझे लेकिन पता है नहीं क्या बनाते, लेकिन वाकई ऐसे बहुत सारे मतलब बना देते हैं, नकली मिल्क बन गया है ना, तो अपन को क्या करना है, अब अपन क्या करेंगे, अपन तो मतलब मेडिसिन वगैरह में फैक्ट्रीज वगैरह में बात कर रहे हैं कि वो कैसे बनाते होंगे, ये अज्यूम करके कि यार वो बढ़िया चीजें यूज करते हैं, खराब चीजें यूज नहीं करते, तो फिर डिफाइन किया उन्होंने कि भाई ये मिनिमम मिलीग्राम कैसे आएगा, तो उन्होंने कहा ये मिनिमम मिलीग्राम ऐड करने के लिए अपन गोल्ड नंबर एक नंबर देते हैं और गोल्ड सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन करते हैं, तो अपन उसको क्या करेंगे गोल्ड नंबर को डिफाइन करते हैं, फिर अपन उसको वर्ड्स में भी लिख देंगे, उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा देख भाई अब जैसे जो सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव पावर अपने पास है वो जिलेटिन होता है, जिलेटिन का प्रोटेक्टिव पावर बहुत अच्छा होता है ना, और पोटैटो स्टार्च का लास्ट होता है तो वो भी बना, कम से कम पोटैटो स्टार्च ही ऐड कर लेते हो, अपन क्या करेंगे अपन डिफाइन करने के लिए भाई गोल्ड नंबर, अब गोल्ड नंबर से क्या करेंगे अपन इसमें एक गोल्ड सॉल्यूशन लेते हैं, अपन ने इसमें गोल्ड सॉल्यूशन, अब अपन कहेंगे भाई इस पे ना गोल्ड सॉल्यूशन ले लेंगे 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन, गोल्ड सॉल्यूशन वो तो नेगेटिव चार्ज होता है, अपन क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे NaCl, अब इसमें NaCl ऐड करेगा, जब मैं इसमें NaCl ऐड करूंगा ना तो गोल्ड जो होगा ना वो NaCl के साथ रिएक्ट करके, मतलब गोल्ड जो होगा ना वो NaCl के साथ रिएक्ट करके AlCl3 बना देगा, AuCl3 बना देगा, है
और ये रेड सॉल्यूशन होता है, जब ये बनेगा तो ब्लू कलर आता, अगर ब्लू कलर आया तो मुझे लगेगा गोल्ड प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है, गोल्ड प्रेसिपिटेट होगा। सो अब मैं क्या करूंगा, इसका भी एक फिक्स अमाउंट लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐड करते रहो, अब एक फिक्स अमाउंट लेना है। 1 ml ऑफ NaCl, 1 ml ऑफ 10% बाय मास ऑफ NaCl, ऑफ 10% बाय मास ऑफ NaCl। ये सॉल्यूशन बना दिया अपन ने, 1 ml ऑफ 10% बाय मास लिखा हुआ है, मतलब मैं सॉल्यूशन बना दिया। जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाता है। अपन क्या करते हैं, इसमें लायोफिलिक डालते हैं। अब मैंने क्या किया, इसमें जिलेटिन ऐड किया, मान लेते एक एग्जांपल ले रहे कि मैंने 1 ml जिलेटिन ऐड किया, 1 ml जिलेटिन ऐड किया और फिर इसको ऐड किया तो प्रेसिपिटेट हो गया, मतलब अपन कहेंगे और थोड़ा ऐड करना पड़ेगा, चलो 1.5। अब इसको ऐड किया फिर धीरे धीरे फिर ब्लू आ गया, तो फिर मैं करूं जाए थोड़ा और ऐड करते हैं, 2 ml करते हैं। 2 ml ऐड करने से सारे के सारे गोल्ड पार्टिकल रैप हो गए जिलेटिन से, प्रेसिपिटेट नहीं आया, तो मैंने कहा यार ज्यादा तो नहीं डाला, चलो थोड़ा 1.9 करते हैं। फिर किया, फिर नहीं आया पिगमेंट, ब्लू कलर नहीं आया, रेड कलर ब्लू में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये और ज्यादा, मतलब मैं अपना गोल्ड नंबर चेक कर लूंगा कि व्हाट विल बी द गोल्ड नंबर। तो मिनिमम मिलीग्राम ऑफ जो मुझे गोल्ड चाहिए, जिलेटिन चाहिए, तो अपन इसका डेफिनेशन दे देंगे। गोल्ड नंबर होता क्या, ये जो नंबर होता ना मिनिमम मिलीग्राम, इसका उसी को अपन गोल्ड नंबर बोलेंगे। सो गोल्ड नंबर होता है, गोल्ड नंबर अपन डेफिनेशन बना देते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक, द मिनिमम मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक साल्ट एडेड टू द 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड of gold, so that its precipitation will not take place by addition of one ml of 10% by mass of NaCl, by mass of. तो इसका जो मिनिमम मिलीग्राम ऐड करना पड़ेगा ना, उसी को अपन गोल्ड नंबर कहते हैं। तो अपन गोल्ड नंबर लिख देते हैं भाई, कौन कौन से रिएजेंट है जिनका गोल्ड नंबर अपन को पढ़ना है। तो मिनिमम मिलीग्राम का मतलब ये हो गया कि जो प्रोटेक्टिव पावर होगा ना, प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा होगा अगर गोल्ड नंबर कम हो। ऑब्वियस ही बात है, अगर जितना कम मिनिमम मिलीग्राम होगा उतना ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर है उसका। तो अपन लिख देते हैं उसको यार, इसको ना गोल्ड नंबर, ये लायोफिलिक ना सबसे अच्छा कौन सा होता है लायोफिलिक, तो सबसे अच्छा जिलेटिन होता है, उसके बाद केसिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, गम अरबिक भी होता है, और पोटैटो स्टार्च भी होता है। अपन जरा मोस्टली पूछते हैं ये वाला, इन सब में सबसे कम गोल्ड नंबर किसका होगा जिसका प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा होगा।
जी नितिन, सो दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ गोल्ड नंबर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये लीस्ट गोल्ड नंबर और ये मैक्सिमम गोल्ड नंबर, और इसका मैक्सिमम गोल्ड नंबर मेरे ख्याल से अपन को क्लियर हो गया. व्हाट इज गोल्ड नंबर, व्हाट इज राइट ऑफ रिट्रैक्टिव पावर, वो सब पीपल क्लियर हो गया. दैट इज अपन को ऑप्शंस में गोल्ड नंबर गिवन होंगे, प्रोटेक्टिव पावर पूछेंगे, या इनमें से चार ऑप्शन गिवन होंगे, मैक्सिमम या मिनिमम पूछेंगे, डेफिनेशन आई डोंट थिंक पूछेंगे. अगर आप चाहो तो मैं एक क्वेश्चन लिख सकता हूं, भेजो ना. अब यार मतलब पूछेंगे है नहीं, मतलब फालतू में बोल देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन वोश्चन पूछेंगे तो है नहीं ना. तो लिखे ये द गोल्ड नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन इज, एक क्वेश्चन गोल्ड नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन इज, ऐसे 0.03 होता है. How much? 100 ml of gold salt will require the hemoglobin. The hemoglobin hemoglobin so that the gold is coagulated by 1 ml of, so that the gold is coagulated by 1 ml of 10% NaCl. Look, ये क्या है तो मुझे बता दो. आपके सामने डायग्राम भी है, सीधा आंसर बता दो. क्यों अब लिखा तो है, आंसर ले लेते हैं. 100 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट रिक्वायर 0.03, तो 10 ml कितना रिक्वायर्ड? सर 10 ml रिक्वायर 0.03, अच्छा तो 100 कितना रिक्वायर्ड? ले भाई जवाब मल्टीप्लाई करो, 0.3 आंसर आ गया. ये हो गया अपने पास 0.3 मिलीग्राम डालना चाहिए ना. क्वेश्चन में नॉट कोएगुलेटेड आना चाहिए ना. हाँ तो गोल्ड नंबर अपन वही तो बता पाएंगे कि भाई इसमें कोएगुलेट इससे पहले तक हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि वो तो गिवन नहीं था ना अपन को, तो गिवन नहीं था ना डेफिनेशन से. हाँ सर, अगर ये गिवन है तो अंडरस्टूड होता है. 1 मिलीग्राम आ गया अपने पास. अब थोड़ा सा अपन इमल्शंस की बात करते हैं. इमल्शंस बस क्योंकि वो एक वर्ड लिखा हुआ है अपन को, मतलब जल्स तो अपन ना भी पढ़े तो भी चलेगा, बट इमल्शंस अपन को थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए. क्योंकि जल्स एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं,
शीट में गिवन है जल सब, पूछते ही नहीं है एनसीईआरटी इमल्शंस भी, बस डेफिनेशन गिवन है एनसीईआरटी। तो इमल्शन में डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होगा और डिस्पर्सन मीडियम वो भी लिक्विड होगा, दे आर नॉट इमल्शंस। एग्जाम्पल लिखे हैं तो मिल्क हो गया, बटर हो गया, चीज, इमल्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, एक अपन उसे कहते हैं ऑयल इन वाटर, ऐसे लिखते हैं, इसको कहते हैं ऑयल इन वाटर। और एक लिखते हैं अपन, मतलब कोई डिफरेंस नहीं लिख रहा तो बस ऐसे दूसरा वाटर एंड ऑयल, वाटर एंड ऑयल, ये दो टाइप के इमल्शन होते हैं। मतलब इन दोनों में से एक वाटर जरूर होता है, चाहे आप डिस्पर्स्ड फेज ले लो या डिस्पर्सन मीडियम ले लो। ऑयल इन वाटर का मतलब है वाटर में, ऑयल को वाटर में डाला तो डिस्पर्सन मीडियम वाटर है, वाटर इन ऑयल का मतलब हो गया वाटर को ऑयल में डाला तो वाटर थोड़ा होगा, तो डिस्पर्स्ड फेज वाटर और इसमें डिस्पर्सन मीडियम ऑयल होगा। तो थोड़ा थोड़ा अपन लिख लेते फिर, इसमें वाटर एक्ट एज अ डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन। एग्जाम्पल मिल्क, और इसमें ऑयल एक्ट एज अ डिस्पर्सन मीडियम, एक्ट एज डिस्पर्सन। एग्जाम्पल अपन बटर लिख ले सकते, क्रीम वगैरह जो होता है, व्हिप्ड क्रीम वगैरह जो होता है वो भी इसमें आता है। ये लिख लेते हैं, इसको भी हम कोई डिफरेंस नहीं लिखते, आई एम नॉट राइटिंग द डिफरेंस, तो अलग अलग वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, राइट। सो जनरली दीज आर अनस्टेबल, इमल्शंस आर अनस्टेबल। मैं इमल्शंस लिख रहा हूं मतलब वो भी इमल्शंस आर अनस्टेबल, सो दे रिक्वायर द स्टेबलाइजर, है ना, एंड सेपरेटेड इनटू टू लेयर्स, मतलब जैसे अपन को पता है जो इमल्शंस जो होते हैं अगर अपन रुकेंगे तो वो दो लेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो प्रेसिपिटेट जैसे बन जाएंगे। तो अपन को कोई स्टेबलाइजर ऐड करना पड़ेगा जिसको अपन इमल्शिफाइंग एजेंट बोलते हैं। तो फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्शंस, of emulsions, so for stabilization अपन सीधे लिख देते हैं the emulsifying agent is added, agent is added, agent is added, तो इसमें emulsifying agent add करना है, ठीक है, उसके स्टेबिलिटी को। अब अगर ऑयल इन वाटर टाइप है तो क्या ऐड करेंगे, इधर भी वी हैव टू ऐड द इमल्शिफाइंग एजेंट, तो इधर अगर अपन लिखेंगे इन ऑयल इन वाटर टाइप वी ऐड
इमल्सिफाइंग एजेंट, तो कुछ प्रोटीन अपन ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर प्रोटीन जैसे अपन मिल्क लेते हैं ना, जो पैक वाला पैकेट वाला दूध होता है, उसमें अपन क्या करते हैं, वो उसमें ना इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं फॉर्मेलिटी, ताकि वो खराब ना हो, उसमें लिखा होता है फॉर्मेलिटी, दैट इज इमल्सिफाइंग एजेंट इज ऐड। तो लिखा होता है इमल्सिफाइंग एजेंट इज ऐड। तो प्रोटीन होते हैं सिंथेटिक सोप, अभी मिल्क बनाने के लिए बोला तो था मैंने, सिंथेटिक सोप, इवन गम अरेबिक, उनको भी ना प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो प्रेसिपिटेट ना हो, ठीक है। तो सिंथेटिक सोप, इवन नेचुरल सोप भी, कुछ कुछ नेचुरल सोप होते हैं, जैसे कुछ कुछ सिक्का कई वगैरह होता है, वो सब नेचुरल सोप में आता है, वो भी ऐड कर लेते हैं। तो इसमें इसमें भी अपन इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं, बट इसमें जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं ना, वो हैवी मेटल्स होते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट एजेंट हैवी मेटल, इमल्सिफाइंग एजेंट राइट, एंड लैंप ब्लैक वो भी ऐड करता है। देन वी ऐड स्टेबलाइजेशन के लिए फैटी एसिड्स, वो भी इमल्सिफाइंग एजेंट जैसे यूज करते हैं। लॉन्ग चेन अल्कोहल्स, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स, उनको भी इमल्सिफाइंग एजेंट जैसे ऐड करते हैं। और अपन को पता है बटर में तो आप निकल यूज करते हैं, निकल मेटल है ना, निकल मेटल एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट बटर में यूज करते हैं, बटर में हैवी मेटल्स यूज होते हैं राइट, एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट। फिर दैट इज द इमल्सिफाइंग एजेंट। All emulsions, all emulsions shows properties of colloids, like Brownian moment, Tyndall effect, etc. जितने भी इमल्शंस होते हैं वो दे आर जनरली नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स, ऑलमोस्ट ऑल द इमल्शंस आर नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स, ऑल द इमल्शंस आर नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स, negatively charged products। इसलिए मैंने कहा था मिल्क में फैट जो होता है वो negatively charged products। That is about the emulsion, खत्म, इसे ज्यादा नहीं चाहिए। तो ऑयल एंड वाटर, वाटर एंड ऑयल, अब घर में भी करके देख सकते हैं, पता क्या होता है, जैसे मान लो अपन ने क्या किया, वाटर ले लिया है ना, अपन सबको पता है, और उसमें ऑयल को ऐड किया, तो ऑयल और वाटर मिक्स नहीं हो गया, अगर आप शेक भी करोगे थोड़ी देर के बाद वो सेपरेट हो जाएंगे। अगर अपन को ऑयल को ना वाटर में आपको डिसॉल्व करना है, तो आप क्या करो, वाटर तो रिपेल करता है क्योंकि वाटर इससे दूर रहेगा, तो आप उसमें थोड़ा सा सोप डाल दो, बॉइलिंग वाटर बना रहा हूं, आप इसमें थोड़ा सा सोप डाल दो, जब आप सोप ऐड करोगे ना, तो सोप फैटी एसिड है, तो सोप क्या करेगा, उसका जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है ना, तो ऑयल में उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज वाटर से इंटरेक्ट कर लेगा,
ऐसे बना देना तो मिक्स हो जाएगा वाटर से, सोप उससे वाटर को ऐसे बाइंड कर देगा, उसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना हाइड्रोकार्बन वाला चेन वो ऑयल से ऐसे बॉन्डेड हो जाएगा, और इसलिए फिर अगर आप थोड़ा सा सोप ऐड करोगे तो वो डिजॉल्व हो जाएगा like that it will be dissolved. So अपन कहेंगे then this soap is an emulsifying agent. For olive water लिखा आपने. So that is an emulsifying agent. So this is emulsions. मुझे नहीं लगता उनको gels पढ़ना चाहिए. Gels में तो dispersed phase is solid and the dispersion medium मतलब dispersion medium is solid and the dispersed phase is liquid. टूथपेस्ट वगैरह होते हैं जेल, बट जेल्स अपने सिलेबस में नहीं है, अगर आप कहोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा जेल पर उसको भी डेफिनेशन लिख सकते हैं जेल्स वगैरह के, बट वो बिल्कुल भी अपने सिलेबस, इमर्शन भी बस एक डेफिनेशन लिखा हुआ है अपने पास एनसीईआरटी में, और जेल तो वो भी नहीं लिखा, जेल लिखा ही नहीं है, जेल तो है भी नहीं, डेफिनेशन भी नहीं, वो कोई बात नहीं, ऑयल एंड वाटर बनाया हमने, बना लेना है ना, ऑयल एंड वाटर टैंक ना, और इधर हमने सो बैठ किया था इमर्जी फेंके बस हो गया. तो ये अपना सरफेस केमिस्ट्री बताओ, इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स तो मैं चाहता भी हूं कि तुम लोग एग्जाम के थोड़े दिन पहले रिवाइज करो, और थोड़ा सा जितना ज्यादा डिले करेंगे अपन उतना अच्छा है इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स, बाकी आपके ना. तो ये आपका सरफेस केमिस्ट्री खत्म हो गया. अब सरफेस केमिस्ट्री के बाद आप कहोगे तो मैं पॉलीमर्स शुरू कर सकता हूं. सर पॉलीमर्स लास्ट में करते ना, तो उससे पहले क्या करना है? पीयूसी और क्वालिटेटिव भी बच रहा है. पीयूसी और क्वालिटेटिव, पीयूसी तो लास्ट ईयर करवाया होगा ना? नहीं सर, नहीं कराया था. तो फिर पीयूसी जब मतलब ये विरार वाले बच्चे भी आएंगे ना उनके साथ ही करवा, अभी डाउट सर एक सर्च करवा दो मैडम. और क्वालिटेटिव तो याद करने वाला पार्ट है, अभी अगर डाउट्स है तो डाउट्स बता दो. डाउट्स हैं क्या? हाँ सर. तो फिर डाउट्स कर लेते हैं, और डाउट्स अपना क्या क्या बचा हुआ अपन ये देख लेते हैं. एक तो तुम बोल रहे हो कि क्वालिटेटिव करवा देना, लेकिन अभी सिलेबस अपना कंप्लीट है, मैं क्वालिटेटिव करवा दूंगा आपको. क्वालिटेटिव और पीओसी कर रहे हो आप? ठीक है, पीओसी एक क्लास का काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेढ़ घंटे से पहले ही खत्म हो जाता है पीओसी, कुछ बचता ही नहीं पढ़ने के लिए, क्योंकि मतलब पूरा आर्मी केमिस्ट्री आप पढ़ चुके, थोड़ा सा इसको पढ़ लोगे तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो मतलब ये केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो गया, केमिस्ट्री का सिलेबस अपना खत्म हो गया. अब मैं आपको एक रिवीजन टाइप वो दे दूंगा प्लान में, क्योंकि रिवीजन बना लेंगे, लेकिन मैं रिवीजन शुरू करूंगा 20 के बाद. ठीक है, 20 के बाद इसलिए क्योंकि जब ये जो बच्चे हैं ना सीबीएसई वाले, मैं 5-6 दिन में इनका सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, क्योंकि मतलब उनका सरफेस केमिस्ट्री बचा होगा तो मैं उनको सरफेस केमिस्ट्री करवाना पड़ेगा उनको, और बस उतना ही बचा होगा, बाकी तो ये वाला पार्ट तो उनको सब साथ में ही करूंगा. तो 20 के बाद एक रिवीजन प्लानर मैं आपको दे दूंगा, अगर 20 तक नहीं आया अपने पास मेंस का जो डेट मुझे लग रहा पता नहीं कब देंगे, जब भी देंगे ये तो पक्का है कि अपन को 2 मंथ्स के आसपास मिलेगा, और मुझे लग रहा है ऐसा ना हो मेंस मतलब आपके बोर्ड के बाद ही हो, अप्रैल में हो, क्योंकि मेंस में ज्यादा चांस नहीं मिलने वाले इस बार. अब अभी तक नहीं दिया तो पता नहीं, ऐसा ना हो वो कहे कि भाई एक ही अटेम्प्ट होगा इस बार, अगर बोर्ड के बाद हुआ तो एक ही अटेम्प्ट समझो, तो
तो गड़बड़ हो जाएगा, या हो सकता है 20 डेज में ही वो दो दे दें अटेम्प्ट, उतना टाइम में हो जाता है अगर फॉर्म वगैरह सारा कुछ कंप्लीट है, तो अप्रैल में ही वो दोनों अटेम्प्ट कर लें और मई में एडवांस मिल जाए, खत्म। चार बता रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, चार बताने से थोड़ी होता है कि चार अटेम्प्ट होंगे, अगर उनको चार अटेम्प्ट करवाने होते ना तब तक तो हो गया होता, चार अटेम्प्ट मुझे नहीं लगता कि चार अटेम्प्ट होंगे, अभी कोई ऑफिशियल थोड़ी होगा, नेट पे ऐसे लिखा होगा उन्हें चार अटेम्प्ट होंगे, ऑफिशियल डिक्लेयर थोड़ी किया होगा, ऑफिशियल आया कुछ कि चार अटेम्प्ट होंगे? हाँ ऑफिशियल आएगा तब अपन बोलेंगे, ऑफिशियल मुझे नहीं लगता दो अटेम्प्ट से ज्यादा होंगे इस बार, वो कुछ नहीं रुकने वाले इस बार, को दो अटेम्प्ट अगर हो गए तो बड़ी बात है अपने लिए। आपके रिवीजन प्लानर में पहले थर्मो डाल सकते थे अभी? रिवीजन प्लानर में सबसे पहले मैं लिखूंगा थर्मो, थोड़ा दो तीन क्लास के बाद लिखूंगा, तो अभी हम क्या करेंगे इलेवेंथ का भी रिवाइज कराएंगे, कौन सा इलेवेंथ का रिवाइज कराएंगे ना, इलेवेंथ का अगर रिवीजन करना है तो मॉर्निंग में तुम लोग फ्री रहते हो क्या? हाँ सर, नहीं सर कॉलेज भी रहता है, फिर ये नहीं करना कि कॉलेज भी रहता है, अभी मैं कल शायद केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा रिपीटर में, केमिकल इक्विलिब्रियम का रिपीटर का मतलब है कि तीन क्लास में, तीन या चार क्लास में, मतलब छह घंटे में, छह घंटे क्या उसके अंदर ही काम होता है, खत्म हो जाएगा, चार साढ़े चार घंटे में खत्म होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो मैं एक बार बात कर लेता हूँ, नहीं लिंक भेजना ऐसे नहीं होता ना, लिंक भेज दो तुरंत, मतलब मैंने मुझे डिस्कस करना पड़ेगा कि बुला सकते हैं नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि फिर कहेंगे फिर रिवीजन अलग से फायदा क्या है ना, तो एक बार मैं डिस्कस करके, वरना रिवाइज तो मैं करूंगा, मैंने कहा भी था कि तुम रिवाइज करूंगा, तो अपन क्या करेंगे ना, पहले मैं रिवाइज करूंगा मतलब ऐसे क्वांटम नंबर्स, वो पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, वो थोड़ा फॉर्मूला वगैरह बता के सीधा क्वांटम नंबर पे आऊंगा, इसमें क्वेश्चंस रिलेटेड टू द श्रोडिंगर इक्वेशन वो करेंगे, है ना, वो एडवांस के हिसाब से थोड़ा, तो इसका मतलब पहले पर एटॉमिक स्ट्रक्चर एक क्लास में खत्म कर लेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा कि पीरियोडिक टेबल भी हो जाए इसी क्लास में, एक क्लास में केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा पूरा, थोड़ा कम ही लगेगा इससे, केमिकल बॉन्डिंग एक क्लास लग जाएगा, और उसके बाद फिर मैं रियलनेस पढ़ाता हूँ, रियलनेस एक क्लास में हो जाता है और केमिकल इक्विलिब्रियम वो एक क्लास में हो जाएगा, अपन अगर पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम ये दोनों एक क्लास में हो जाएगा, आयनिक विल टेक वन क्लास, ये पूरा एक क्लास, और फिर थर्मो विल टेक वन क्लास, एक्चुअली अगर पहले थर्मो करूंगा तो मुझे नहीं पता ना तुमने इसमें इसमें और इसमें क्या किया, क्योंकि मैं थर्मो में ये भी यूज करूंगा, ये भी यूज करूंगा, ये भी यूज करूंगा, इसलिए मैं थर्मो को बात करूंगा, थर्मो विल टेक वन क्लास, और मैं कोशिश करूंगा कि एक क्लास साढ़े चार घंटे का होगा, आधे मतलब दो घंटे क्लास, आधे घंटे का ब्रेक, दो घंटे क्लास, ऐसे करेंगे तो चार घंटे क्लास, आधे घंटे का ब्रेक, ब्रेक लेंगे अपन आधे घंटे, क्योंकि बहुत स्पीड से पढ़ेंगे यार, दिमाग पूरा पक जाएगा, दो घंटे पढ़ने के बाद आधे घंटे का ब्रेक चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे नहीं, थ्योरी में पहले बताना पड़ेगा कैसे अटेम्प्ट करना, फिर क्वेश्चन, पहले बताना पड़ेगा कि अटेम्प्ट कैसे करोगे, फिर क्वेश्चन, है ना? हाँ सर, फिर होमवर्क होमवर्क के लिए क्वेश्चन दोगे इनके चैप्टर्स के? नहीं, इनके तो मतलब शीट है ना आपके पास, उसमें एक्सरसाइज टू कर लो, एक्सरसाइज थ्री कर लो, मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन दे दूंगा। हाँ सर, वो कर लेंगे, उसके बाद जब थर्मो रिवाइज हो जाएगा तो फिर अपन आएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, राइट? या इलेक्ट्रोस रिवाइज करने से पहले अपन ऐसे भी कर सकते, पहले अपन जीओसी रिवाइज कर ले, जीओसी वन टू और आई पैक नेम, ये एक क्लास में हो जाएगा, ये तीनों एक क्लास साढ़े चार घंटे की क्लास में हो जाएगा,
इट विल हार्डली टेक हाफ एन आवर, वो पूरा हो जाएगा, तुमने पढ़ रखा होगा पहले से कैसे करना है, बस वो बताना है। जीओसी 1-2 में सिर्फ प्रॉब्लम के थ्रू ही डिस्कस करना है। जो भी मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा दूं, उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एडवांस और मेंस दोनों करने आपको। मैं आपको ऐसे नहीं करेंगे अपन के खूब सारे क्लासेस एकदम, मैक्सिमम वीक में 2 क्लास होंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना, वीक में मैक्सिमम 2 क्लास मिलेंगे, तो उसमें ही सारा रिवीजन करना है अपन को। और डाउट क्लासेस जो भी होते हैं वही डाउट क्लासेस में आओ और अपने डाउट पूछ लो। वैसे संडे को इस बार मैं विराट जाऊंगा, इस बार कब ट्यूजडे को गया था मैं अंधेरी, ट्यूजडे को अंधेरी को गया था, विराट जाऊंगा मैं मॉर्निंग में ही पहुंच जाऊंगा संडे को इस बार। तो अगर किसी को डाउट पूछना है, अपने ऑफलाइन डाउट पूछना है तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुम्हारे डाउट्स। तो ठीक है, और फिर उसके बाद अपन मतलब ऐसे चैप्टर डिसाइड करते रहेंगे, कोई जरूरी नहीं कि मतलब यही फॉलो करो। अगर मुझे लगता है कि जैसे तुमने कहा थर्मो करवा दो सर, मुझे लगता है यार थर्मो में ये तो यूज होगा ही नहीं, ये भी यूज नहीं होगा, ठीक है इनको छोड़ो ना, इसी को करवा देते हैं, ऐसे कोई करवा दूंगा। अब बात आएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली बात, कि अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे मतलब रिएक्शन लिखेंगे। अब देख होता क्या है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप ज्यादा टेंशन मत लो पी एंड एस ब्लॉक के, पी डी एफ इन ब्लॉक के लिए आप टेंशन मत लो ज्यादा। आप क्या करो इनको इनको पढ़ने के लिए, जो क्लास में मैंने बताया ना रिएक्शंस, उससे ज्यादा पर तो करने ही, जितने क्लास में बताए वो काफी हम रहेंगे, उन रिएक्शन को एक साथ लिख लो। ऐसे रिएक्शन आप फाइंड आउट करो, ठीक है ना, आप ऐसे क्वेश्चन फाइंड आउट करो, ऐसे रिएक्शन फाइंड आउट करो जिनमें आपको लगता है कि आप गलती करोगे। अब ऐसे रिएक्शन क्या याद करना है, H2+Cl2+H2O2, इन सबको हटा दो, इनको नहीं चाहिए मुझे, जो मैं गलती कर सकता हूं वही आप लिखो बस, ठीक। तो आप क्या करो कि मतलब इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैंने जैसे मान लो उनको 15 ग्रुप पढ़ा है, तो 15 ग्रुप में कौन कौन से रिएक्शन ऐसे हैं जो मैं गलती कर सकता हूं वो लिख लो। अगर कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें पर लगता है यार इस छोटे, जैसे एक मिनट, H2S और Na2S2O3 वाला टॉपिक पढ़ाया था, इनके तो सारे रिएक्शन लिख लो, वो एनसीईआरटी में भी नहीं है, वो तो सारे ही पूछ सकते हैं तुमसे, तो उन रिएक्शन को लिख लो, उन रिएक्शन को बार बार देखते रहो। जब 15th और 16th ग्रुप ऐसे हो गया अपना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया अपन ने और उससे सॉल्व कर लिया क्वेश्चंस। अब रिवीजन के टाइम आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लास्ट 10 इयर्स के तो शीट में गिवन होते हैं, बाकी गिवन नहीं होते, तो अपन क्या करेंगे कि या तो अपन शेयर, मैंने आपको उसमें शायद शेयर भी किया था वो सॉफ्ट कॉपी, तो या तो अपन उससे कर लें सॉफ्ट कॉपी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और शीट से एक्सरसाइज 1, मतलब अपन को मेंस के लिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना मतलब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं सभी चैप्टर के, और एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 बस, हमें एडवांस के लिए एक्सरसाइज 2 की जरूरत है, तो एडवांस के लिए एक्सरसाइज 2, क्योंकि जैसे ही अपना सिलेबस खत्म होगा नंबर ऑफ टेस्ट आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिर अपन वो टेस्ट देंगे जो ऑलरेडी टेस्ट से है, वो भी देंगे, और ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि भाई कैसे क्या, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि पेपर वेपर जितना जो होगा ना, जैसे अपन जो क्लास में पढ़ेंगे ना रिविजन क्लास में 40% के आसपास, 40-50% वैसे ही आएगा क्वेश्चन, जैसे अपन ने क्लास में डिस्कस किया, डिस्कस किया, ऐसे क्वेश्चन आएगा 40-50%, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लगेगा, अभी सर ने ऐसे बताया था, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस पब्लिकेशन का, किसी का भी लिखो, क्या फर्क पड़ने वाला, वैसे मुझे लगता है सबसे अच्छा एमटीजी वगैरह का होता है, एमटीजी फिर दिशा पब्लिकेशन, फिर अरियंत वाला, अरियंत वाला सबसे बकवास होता है। तो अपन इस टाइप से मैं रिवीजन करने वाला हूं,
और बीच बीच में जब भी मुझे लगेगा यार मतलब रिवीजन बहुत फास्ट हो गया अपना, मतलब दो तीन चैप्टर अपने खत्म हो गए, मतलब सॉल्व ही नहीं कर पाए, तो ठीक है बीच में अपन ने फिर एक क्वालिटेटिव का N9 कंप्लीट कर दिया, 3 घंटे में खत्म हो जाता है, 3-4 घंटे में खत्म करेंगे। और जब N9 खत्म होगा ना तो उसके साथ डी ब्लॉक भी खत्म हो जाता है, N9 में डी ब्लॉक आ जाता है, जरूरत नहीं पड़ती उसको अलग से पढ़ने की, तो पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ सारा N9 तो आ गया डी ब्लॉक उसमें, तो वो सारा पार्ट एक बार रिवाइज होता है। तो इस टाइप से अपन रिवाइज करेंगे, ये अपना रिवीजन का तरीका होगा। जब ये रिवाइज हो जाएगा तो उसके बाद फिर अपन 12th वाले टॉपिक जो करने पड़े वो रिवाइज करूंगा, ताकि आपके एग्जाम के पहले आपको याद रहे अभी सब ने रिवाइज करवाए थे तो वापस लिए, तो एग्जाम से पहले टर्म टू एग्जाम से पहले उनको याद रहे। तो स्टेट बोर्ड वालों के टर्म वन और टर्म टू नहीं हो रहे ऐसे एग्जाम, नहीं सिर्फ एक ही एक ही होगा, स्टेट बोर्ड वाले पता नहीं क्यों ऐसे एग्जाम नहीं ले रहे। टर्म वन तो कॉलेज में ही हो गया, अच्छा कॉलेज में ही हो गया, टर्म टू मतलब वो मतलब फाइनल ही लेंगे होता। हाँ सर तो इसमें एक मतलब प्लानर जो एक लिख के मैं आपको प्लानर दे दूंगा जिसमें ये सारे टॉपिक्स अपने 1.5 मंथ में कंप्लीट हो जाए, जितने भी टॉपिक अपन को रिवाइज करने वो 1.5 मंथ में कंप्लीट हो जाए। रिवीजन में मतलब मैं थोड़ा चैप्टर वाइज ही रख लेंगे, मतलब जैसे आर्मी केमिस्ट्री को भी अपन चैप्टर वाइज ही कर लेंगे, GOC 1 GOC 2 स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ा दो एक क्लास में, उसके बाद आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, फिर अपन हाइड्रोकार्बन एल्काइल हैलाइड एल्काइल फिनॉल इधर से कर लेंगे, अब बीच में डिस्कस कर लेंगे बुक आपका स्टेट बोर्ड वाला बुक। और एक और बात है, बीच बीच में आप DPP कर सकते हैं, आप DPP करो, मैं DPP के लिए अलग से क्लास लगा दूंगा। DPP के लिए अपन डाउट्स में डाउट क्लास वगैरह लगते हैं ना, तो डाउट क्लास में आप DPP कर सकते हैं, डाउट क्लास लगा दूंगा DPP के लिए अलग से, DPP के नाम से आप DPP सॉल्व कर लो, मैं आपको होमवर्क दूंगा कौन सा DPP से, मतलब एक वीक में मतलब एक दिन में अपन ऐसे कर लेंगे, जब डाउट क्लास लगाएंगे 2-3 घंटे की तो उसमें 4-5 DPP एक साथ डिस्कस कर देंगे, तो एक तरीके से पूरा रिविजन भी हो जाएगा, DPP बहुत हो जाएगा, DPP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और शीट, इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। अभी अपन ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद डाउट्स कर लेते हैं, आप डाउट्स रेडी रखो, मैं ब्रेक के बाद करूंगा डाउट्स, ठीक है? तो अपन को डाउट्स करने थे ORM 4 से शुरू करना था, ठीक है? चलो ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा। चलो भाई अपने डाउट्स बता दो फटाफट, ORM 4 करना था। ORM 4 को चैट में लिख दो। ORM 4 में एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 1 में जो भी डाउट्स हैं आपने बताया। बोलो जल्दी जो भी डाउट्स हैं। बोलिए भाई किसी और को डाउट होगा तो वो भी पूछ लेगा, ठीक है ना? चल शुरू कर लेते हैं। तो B3 वाले पार्ट में ना अपन को बताना है, तो B3 वाले गिवन है अपन को,
ब्रोमो साइक्लोटेकेन, ब्रोमो साइक्लोटेकेन, ओ माय गॉड, चलो लो बना दिया, ब्रोमो साइक्लोटेकेन है, साइक्लोटेकेन बना लेते हैं पहले, ये तो बन गया साइक्लोटेकेन और इसमें ब्रोमो लिखा हुआ है और नीटिंग में इतना लिखे हुआ है, ठीक है भाई कहीं भी लगा लेते हैं, है ना, तो एल्कोहलिक क्यूएच में लिख लेते हैं और इसको हीट भी करोगे, एलिमिनेशन करूंगा, ठीक है ना, प्रोड्यूसेस एल्कीन, राइट द टू प्रोडक्ट्स, हाँ तो एक सिस बना दो एक ट्रांस बना दो, बन गया ना, हाँ तो मेजर माइनर डिसाइड कर दूंगा ना, क्या प्रॉब्लम बेटा, ये लो, ये तो हो गया सिस इसका, देख ये तो हो गया इसका ट्रांस और ये हो गया इसका सिस, मतलब बी आर को अपन यहाँ की जगह यहाँ भी लगा सकते हैं, तो एक बार ऐसे बना देते हैं, एक बार ऐसे बना देते हैं, एक बार ये हो गया इसका सिस हाइड्रोजन के बेसिस पे, तो ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया, स्टेबिलिटी चाहिए तो ये ज्यादा स्टेबल है, अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो ये ज्यादा स्टेबल है, रीजन क्योंकि इसमें ये वाले हाइड्रोजन जो होंगे ना ये इसके साथ वंडरवॉल रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर वंडरवॉल रिएक्शन, सो लेस स्टेबल ड्यू टू वंडरवॉल रिएक्शन, डाउट है तो बोलो, तुम लोग माइक ऑन कर सकते हो, माइक ऑन कर लो, सीधा सीधा डिस्कस करो, आपको बता दो, मतलब सीधा बोलो ना, क्या दिक्कत है, अपन तो डिस्कस कर रहे हैं यार, सर ट्रांस वाले में डबल बॉन्ड इधर कैसे बनेगा, अच्छा देख होगा क्या ना, जैसे अपन इधर लिख, हमें तो लिखना था ना एक, जैसे अपने पास ऐसे लिख रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं, तो इसमें ट्रांस तभी पॉसिबल है जब डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ या यहाँ या फिर यहाँ, बाकी सब जगह तो सिर्फ ही पॉसिबल होगा, तो ट्रांस अपन को या तो यहाँ पर आना पड़ेगा या फिर यहाँ, तो चलो यहाँ भी आर ले लेते हैं, तो देख इधर से अगर अल्फा बीटा एलिमिनेशन करोगे तो सिस बनेगा, और इधर से अगर अल्फा बीटा एलिमिनेशन करोगे तो ट्रांस बनेगा, ऊपर एक एच और नीचे एक एच, इधर दोनों एच की तरफ है, तो उसी के बेसिस पर ने सिस और ट्रांस बता दिए, अब बताओ, समझा सर, बोलो, ठीक है, तो पर ने सिस और ट्रांस बता दिए, सबको समझ में, अब राइट द टू प्रोडक्ट्स एंड द मेजर वन, हाँ तो मेजर वन अपन नहीं लिख लिया ना, क्योंकि इसमें वंडरवॉल रिपल्शन है, इसमें नहीं, तो ये आपका बी थ्री था, ठीक है, किसी ने और कुछ भी पूछा है क्या, वही था बस, अगर किसी को डाउट होगा तो बताए, सी टू की बात करते हैं अपन, सी टू में क्या है, देख सी टू में ना The ethanol containing ETOD as a solvent. देख भाई अगर इथेनॉल में ETOD as a solvent है तो ये D होगा, तो प्रोटॉन की जगह ये क्या है D है, ड्यूट्रियम is used as a solvent. Then deuterium exchange take place in the even CV mechanism. Why? हाँ तो obvious ही बात है, अगर मान लो कोई even CV mechanism अपन करेंगे तो भाई क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि even CV mechanism ये फ्लोरीन है, that is a poor leaving group. इसमें even CV बताऊंगा, अब क्या करोगे, इसमें पहले एनाइन बनाओगे ना आप, बेस के साथ पहले एनाइन, कोई भी बेस यूज करोगे तो एनाइन बनाओगे, तो पहले एनाइन अगर ऐसे बनाओगे ऐसे, तो भाई अगर अपन क्या करेंगे, ये फ्लोरीन है, आपने सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया, तो अपन कहेंगे इससे जब डी यूज करेंगे ना अपन, इसमें डी पॉजिटिव इसका, तो अपन क्या करेंगे डी एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि सी एच बॉन्ड से सी डी बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो पहले किसमें कन्वर्ट हो जाएगा डी में, मतलब सारे के सारे ये जितने बार भी एनाइन बनाओगे ना ये ऐसे बना दो सी डी थ्री सी एच सी एफ, तो अपन कहेंगे ये बनेगा और थोड़ा सा ये भी बन सकता है, लेकिन इसमें पुअर लिविंग ग्रुप है ना, तो ऑब्वियस सी बात है अपन किसको प्रेफरेंस देंगे, अपन प्रेफरेंस देंगे एसिड बेस रिएक्शन को, ये एसिड बेस रिएक्शन है, मतलब इसका इसके साथ, और ये जो था ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो अपन कहेंगे इसमें सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना है इसकी वजह से, और ये एसिड बेस रिएक्शन, तो अपन कहेंगे इसी को प्रेफरेंस दो, तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो गया, अब एनाइन इस तरफ बनाओगे तो अनस्टेबल होगा, तो अपन फिर इसको बेस से रिएक्ट कर पाएंगे, तो अपन ये बना लेंगे, तो इसमें सी डी टू बनेगा है, डी टू और नेगेटिव चार्ज, फिर सी एफ होगा और अपन कहेंगे सी एच टू, अब क्या होगा,
तो अपन कहेंगे अगर आप वापस डी बनाते हो सी डी थ्री तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो बना देते हैं इक्विलिब्रियम में रहेगा ये वाला। तो अब तो अपन कहेंगे फिर अब अगर ये इक्विलिब्रियम रहेगा तो अब धीरे धीरे इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट होता रहेगा, तो अपन को ये प्रोडक्ट मिलता रहेगा। लो भाई ये प्रोडक्ट बना तो एलिमिनेशन, लेकिन ईवी ईवन सीवी में जाने से बना। ईवन सीवी मतलब बेस कैटलाइज्ड एलिमिनेशन रिएक्शन, वो तभी होता है जब पुअर लिविंग ग्रुप्स होते हैं। तो पार्ट टू का A8, हाँ रुक जाते हैं पर पार्ट टू बताऊंगा मैं। पार्ट टू का A7 इसमें थ्री वाला C3 वाला देख लें। C3 वाले में अपन को गिवन है, अब देखो इसमें भी ईवन सीवी मैकेनिज्म बनाया आपने, तो ईवन तो बता दिया अपन ने, अपन को पता था ईवन सीवी मैकेनिज्म में आप पहले ज्यादा स्टेबल एनायन बनाओगे, तो आपका गिवन था CH2CHBr गिवन है और CH3, यहां से एनायन ज्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियसली बात है फिर तो अपन जो रिएक्शन बनाएंगे MeO, ये आपने बेस बता दिया और सॉल्वेंट आपने MeOD दे दिया, तो ऑब्वियसली बात है मैं यहां पर पहले तो एनायन बनाऊंगा और एनायन बनाऊंगा तो CD2 बना लूंगा, फिर CHBr लिखूंगा और उसके बाद CH3। अब क्या, अब एलिमिनेशन कर दूंगा, इसको हटा के डबल बॉन्ड लिख के इसको हटा दूंगा, तो ये प्रोडक्ट इवन से ही बन गया बेस कैटलाइज एलिमिनेशन। सर कौन से कार्बन पे डी एक्सचेंज हो रहा है कैसे पता चल रहा है आपको? देख इन दोनों में से तुम तो मुझे ये बता दो कि बेस एसिड बेस रिएक्शन पहले किससे करेगा, 1 वाले हाइड्रोजन से या 2 वाले हाइड्रोजन से, तो मुझे पता चलेगा कि किस पे एनायन ज्यादा स्टेबल है। वन वाले प्रेशन से तो उधर करेगा, बस ये 1 डिग्री एनायन बनाता ये 2 डिग्री एनायन बनाएगा, तो अपन ने 1 डिग्री बनाया, यहां तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, ऑब्वियसली बात है ये 1 डिग्री बनेगा ये भी 1 डिग्री, बट 1 डिग्री रेजोनेंस स्टेबिलिटी, तो इसी से बनाऊंगा, इसलिए वहीं पर डीप ड्रेम ऑप्शन किया। तुम लोग ठीक है कोई कंसेप्चुअल पार्ट भी पूछना हो, जिस चैप्टर के डाउट होंगे उस चैप्टर में अगर कोई कंसेप्चुअल पार्ट है तो बता देना कि उसको एक्सप्लेन करो, अपन वो भी कर सकते हैं। अब पार्ट टू में आप लोगों ने पूछा था पार्ट टू का A7 A8 पूछा है पहले A7 और A8। चलो भाई देख लेते हैं, ये तो पिनेकोल पिनेक्लोन रीअरेंजमेंट है, लास्ट टाइम बताया था मैंने, एक बार चेक कर लो, अगर नहीं आया तो मैं बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट टाइम किसी ने पूछा था पिनेकोल पिनेक्लोन रीअरेंजमेंट, तो मैंने उसमें काफी सारे रिएक्शन बताए, एक बार देख लो A7A8, अगर बोलोगे तो बता दूंगा। फिर भी बोलोगे तो बताऊंगा। कोई नेक्स्ट पेज पे चले, चलो नेक्स्ट पेज चलते हैं, तो A7 कर लेते हैं, ठीक है। अब देख A7 में ना अपन को गिवन है ऐसे, तो लास्ट टाइम ही तो आपने बताया था कि अगर दोनों तरफ OH गिवन है तो अपन तो वहां उस वाले OH से पहले रिएक्ट करेंगे जहां कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, यही तो बताया था लास्ट टाइम। भाई अगर इसको एसिड से रिएक्ट करोगे तो अपन क्या करेंगे, अपन तो उस तरफ से कार्बोकैटायन बनाएंगे जहां से ज्यादा स्टेबल बनेगा, इस पे अटैक करवा के और हटा दे तो CH3 माइग्रेट कर लेते हैं, CH3 माइग्रेट करते हैं वहां से ना, लो ये प्रोडक्ट बनता है। ये प्रोडक्ट बन गया, बी बना। अब 8 की बात करते हैं, 8 वाले में तो अपन कहेंगे देख भाई इसमें तो कहीं भी कुछ भी लिखो, इस सिल्वर वॉच से थोड़ी रिएक्ट करता है, सिल्वर तो बीआर से रिएक्ट करेगा क्योंकि प्रेसिपिटेट बनाता है उसके साथ, है ना, AgNO3 तो इससे रिएक्ट करेगा, AgBr का पीपीटी बनेगा, अब AgBr का पीपीटी बनेगा तो अपन को पता है इधर OH लिखोगे आप, इधर CH3 इधर CH3 इधर पॉजिटिव चार्ज,
अभी इसको माइग्रेट कर लेते हैं तो इधर पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर अपडेट कंप्लीट कर लेंगे ना इससे, इसलिए तो माइग्रेट किया हमने। तो CH3C पॉजिटिव चार्ज अपने पास, सो जैसे ऊपर रिएक्शन किया वैसे इधर भी कर दिया। लो भाई इधर अपने पास ऐसे था, इधर अपडेट कंप्लीट करो, इसको प्रोटॉन को लीव करो, ये उधर तक ना करो, बन गया प्रोटॉन। लो भाई ओके और बताओ सर, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पीएच के साथ हो गया या CH3 का? अब इसमें अपन से कहा है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बताओ, ठीक है ना? तो अपन कहेंगे एच ज्यादा होता है पीएच से, पीएच ज्यादा होता है CH3 से, ये लो हो गया। एल्काइल ग्रुप जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना अच्छा माइग्रेटरी एबिलिटी होगा उसका, क्योंकि सारे माइग्रेशन थ्री मेंबर ट्रांजिशन स्टेट से होता है। शायद अपन से कभी पूछेंगे नहीं, इसलिए अपन सिर्फ एप्टीट्यूड याद रख लेते हैं। अब बताओ पार्ट टू का B8 और C3 चलेगा? दिस ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज ऑलवेज वैलिड, आई वांट दिस ओनली। कि भाई आप लोग पता इसमें मैं आगे क्यों नहीं बोलता, मैं तभी बोलूंगा जब तुम लोग पूछो, जब तुमने पूछा ना मैं आंसर दूंगा, लेकिन अगर तुमने नहीं पूछा ना तो मैं आंसर नहीं दूंगा। पढ़ाते समय मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो मतलब ना डाउट्स में ही आती है, और मैं डाउट्स के लिए छोड़ भी देता हूँ, बच्चे डाउट पूछेंगे तभी बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। अब देखो होता क्या है, उसने पूछा कि सर ये माइग्रेटरी एबिलिटी क्या हमेशा वैलिड होगा क्या? ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देख अपन माइग्रेटरी की बात कर रहे हैं, एबिलिटी वगैरह कुछ नहीं, अपन पता क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो मेरे पास ऐसे है, अगर अपन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं, ऑफ कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं, देन वी डू नॉट फॉलो। We follow, we migrate the group which gives us more stable cation. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसको माइग्रेट करना है किसको माइग्रेट नहीं करना, मुझे बस ज्यादा स्टेबल cation चाहिए। मतलब इधर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड तो पीएच का अच्छा, लेकिन माइग्रेट करूंगा मैं। अगर अपन कार्बोकैटायन के रिएजमेंट की बात कर रहे हैं ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसका माइग्रेटरी एबिलिटी क्या है, मुझे कार्बोकैटायन कौन ज्यादा स्टेबल देगा मैं तो उसी को माइग्रेट करूंगा। अब बाकी नहीं लिख रहा, बाकी तो अपन को पता है तो आप कैसे लिखोगे। मान लो अपन को ऐसे प्लस में इफेक्ट, इधर जाऊंगा तो हाइपर कंजुगेशन और विड्रॉइंग ग्रुप, मैं तो यहां से माइग्रेशन करूंगा। ठीक
ठीक है, इसका मतलब जब भी कार्बन कटायन का रीअरेंजमेंट होगा तो मैं माइग्रेटरीबिलिटी नीचे करने वाला। तो इधर ऐसे क्यों किया? इधर तो मैंने इसलिए किया क्योंकि जब आप कार्बोकैटायन बना रहे थे तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज डिटरमिनिंग स्टेप। अब जब कार्बोकैटायन बन ही गया था ये वाला, तो इन दोनों में से चूज करना था कौन माइग्रेट करेगा। तो यह तो अपडेट कंप्लीशन था ना, तो इनका तो कोई माइग्रेटरीबिलिटी चेक करना पड़ा मुझे, क्योंकि यहाँ तो अपडेट कंप्लीशन है। अब अपडेट कंप्लीशन है तो मैं, मुझे पता है ना कि भाई मैं तो इनको तो देखूंगा भी नहीं ये क्या है, तो फिर अपन इसमें माइग्रेटरीबिलिटी चेक करते हैं। इसके अलावा बाकी सभी जगह पर माइग्रेटरीबिलिटी चेक कर रहे हैं। लिख रहा हूं ताकि काफी सारे लिख दूं जहां भी मतलब माइग्रेशन वगैरह पड़ेगा। और क्या माइग्रेशन भाई, मेनली तो यही होता है। यहाँ पर कुछ चूज करना पड़ता है, ठीक है, इतना ही रहता है, ज्यादा लिखने का कोई फायदा नहीं। हाँ, क्यूमिन मेथड में larger the alkyl group more is the microphone. अब बी एड पूछा था, सी थ्री पूछा था। चलो नेक्स्ट पेज पे, समझ गया ना क्या करना है अपन को, तो ये ध्यान रखना है। अब मेरे ख्याल से अब माइग्रेटरीबिलिटी में अपन को कभी कोई डाउट नहीं कि कहाँ माइग्रेशन चेक करना है कहाँ नहीं करना है, एबिलिटी एप्टीट्यूड जो भी आप बोलो जो चेक करना है। बीएड की बात, अभी बीएड में पता क्या है, ये हॉफमैन एलिमिनेशन होता है। मैंने क्लास में बताया आपको, जब मैंने आपको अमाइंस पढ़ाया, क्या गिवन था आपके पास, क्वार्टर ने अमोनियम सॉल्ट दे रखा है ना, हाँ तभी बेस के साथ हीट किया। अपन ने क्वार्टर उसमें पढ़ा था यार, अल्फा बीटा, अल्फा ये बीटा, इधर 2 डिग्री है ना, एनायन बनेगा अगर प्रोटॉन निकालूंगा, इधर 1 डिग्री है, मतलब ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक, ये वाला कम एसिडिक। दिस इज द ओके, ये प्रोडक्ट है बीएड, कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है,
तो उसने पूछा था आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये है ना, नेक्स्ट है C3 वाला पूछा आपने, मैं C3 वाला देख लेता हूं, ठीक है, C3 वाले में अपन को गिवन है, ठीक है, यार अपन को फ्लोरीन हटाना है, E1 CB से ही हट सकता है फ्लोरीन, QH के साथ हीट कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था आपको कैसे पता कि किससे एनाइन बनाना है, तो मैंने कहा था मैं ज्यादा स्टेबल एनाइन बनाऊंगा, बना दिया, प्रेजेंट स्टेबलाइज है इधर 1 डिग्री बनता, बनाओ सर, ये हॉफमैन एलिमिनेशन कब कब होगा? बड़ा खतरनाक जवाब क्वेश्चन पूछा है, क्या कह रहा है ये सर, कम नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, कम नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, अगर अच्छे लिविंग ग्रुप कम नंबर में क्यों होंगे, कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा तो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, कम नंबर थोड़ी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा यार, ठीक है। हॉफमैन एलिमिनेशन कब होता है, जब सेडजेफ एलिमिनेशन नहीं होता तो हॉफमैन होता है, चलो अपन देखते हैं रिएक्शंस इन विच, ठीक है, रिएक्शन इन विच हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेड, एलिमिनेशन फॉर्म्स मेजर प्रोडक्ट, एक तो होता है व्हेन बल्की बेसिस आर यूज्ड, जैसे टर्शियरी पेंटोक्साइड हो गया, एलडीए हो गया, इथाइलामाइन स्लिप हो गया तो हीट बनना पड़ेगा, मोस्टली यही यूज होता है। अब कभी कभी ऐसे करते हैं कि अपन ने बल्कि बेस इसलिए लिखा कि यार कभी कभी वो अपन को ऐसे बना देंगे, वी नो दैट पेरिडीन इज अ बेस, और ऐसे करके बल्कि बना दिया और हीट लिख दिया तो अपन को बल्कि बेस, जैसे मैंने देखा इथाइलामाइन था तो इस बेस था, हीट कर दिया तो टेम्परेचर थोड़ी पता था तो, लेकिन आपने एलिमिनेशन तो करना है। अगर मेरे पास ऐसे भी बना ठीक है, एनी हैलोजन है तो इनमें से कोई भी यूज करो, तो ये क्या करेंगे, ये ना उस तरफ से हाइड्रोजन को नहीं हटा पाते हैं जिस तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, तो ये वहां से हाइड्रोजन को हटाते हैं जहां लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, खुद बल्कि है उधर जा नहीं पाते, तो फिर यहां से एलिमिनेशन बनेगा, तो लेकिन अगर इसमें ये होता ये अल्कोहलिक की वजह तो अपन ऐसे
अब ये नहीं कह रहे कि ये बनेगा नहीं इसमें, ये तो बन कर रहे लेकिन मेजर ही है, जबकि इसमें मेजर ही है और माइनर ही है। माइनर भी नहीं है, ये तो माइनर से भी कम, इसका माइनर तो मेजर तो ट्रांस होगा और माइनर से होगा, तीन प्रोडक्ट बनेंगे, इसका मेजर ही है। अगर बात करें बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, अपन कहेंगे ये बताओ आपने क्या यूज किया, तो अपन कहेंगे टर्शियरी मेटॉक्सिल बन गए, हाफ बन गए। तो एक तो है कि जब बल्कि बेस यूज करें, ठीक है, दूसरा होता है जब लीविंग ग्रुप अमोनियम सॉल्ट हो या सल्फोनियम सॉल्ट, दूसरे पेज पे जा, ये अमोनियम सॉल्ट था, उसको बोलते हैं अनहॉफमैन एलिमिनेशन। चलो नेक्स्ट पेज, बात तो सही है। ठीक है, दूसरा व्हेन लीविंग ग्रुप्स आर इस टाइप के अगर लीविंग ग्रुप है तब भी अब भी लिखे ना सॉल्ट्स ऑलवेज मोस्ट एसिडिक बीटा इज बाई, तो ठीक है अभी लिखा था अपन ने, मान लो अपन को ऐसे लिखा हुआ है, मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, हाँ साहिल भाई बोलो, ये हमारे पास अब पता ये पॉजिटिव चल रहा है, आई नेगेटिव क्वाड्रेंट सॉल्ट, अपन क्या करेंगे, अब देख अपन को ढूंढना पड़ेगा, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, प्रोडक्ट दोनों से एक ही बनता है लेकिन बनाऊंगा इससे, अब मैं क्या करूंगा, इसको कार्बन 12 लिख दूंगा, इसको कार्बन 14 लिख दूंगा, बनाओगे तो इससे ये 1 डिग्री 9 बनाएगा, ये 2 डिग्री बनाएगा, ये भी 2 डिग्री बनाएगा, इससे एलिमिनेट करूंगा 14 वाले से, तो बाकी ये लिविंग ग्रुप होगा, और बाकी जो प्रोटॉन यहां से निकलेगा ना, ये प्रोटॉन जो हटाएंगे ये सॉर्ट,
वो लिविंग ग्रुप है। अब एक मैं ऐसे बन गया, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब ये मैंने तीनों अलग अलग ले, इसमें इन दोनों में कार्बन सेम था ना, अब ये तीनों में कार्बन अलग अलग, तो अपन कहेंगे ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। आपको बताना है कि इन सब में तीनों बीटा में से कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा आसिडिक होगा, उसके हिसाब से अपन प्रोडक्ट बनाएंगे। तो एक दो और तीन, तो किससे प्रोडक्ट बना लूं? अरे बोलने के लिए अलाउ तो किया था, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या था, वो साहिल के यहाँ से गड़गड़ गड़गड़ आवाज आ रही थी ना साउंड में, इसलिए मैंने बंद किया था। अभी कर देता हूँ, इसलिए तो मैंने कहा था साहिल क्या बात है, ये कर दिया। हाँ बोलो सर। चार बीटा है ना यहाँ पे? चार बीटा कहाँ पे? अच्छा ये वाला भी बीटा है, तो हाँ बताओ, तो वैसे भी नहीं होगा यार। कौन सा बीटा करें? एक ये दोनों ही वन डिग्री एनायन बनेंगे, ये तो टू डिग्री है, भूल जाओ वन डिग्री। बिकॉज देखो थंब रूल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, अगर एनायन ज्यादा स्टेबल है मतलब ज्यादा स्टेबल था, तो वन और टू में से ज्यादा स्टेबल कौन सा बनाएगा? अपन कहेंगे वन वाला, इसमें प्लस इफेक्ट नहीं है ना, इसमें तो प्लस इफेक्ट होगा, इसमें नहीं है ना प्लस, तो प्रोडक्ट ये बनेगा बस मेजर प्रोडक्ट। अच्छा मान ली मेरे पास ऐसे बीटा है, और मैंने इसको OH- माइनस से रिएक्ट करवाया, क्या प्रोडक्ट है? इसमें रिएक्शन होगा या नहीं होगा? रिएक्शन तो होगा, बेस कनेक्टर्स और न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कनेक्टर्स और बेस, यहाँ बीटा हाइड्रोजन था तो एसिडिक हाइड्रोजन एटम था इसलिए एसिड बेस रिएक्शन हुआ, यहाँ एसिड बेस नहीं हो सकता तो उसने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ गया। इट्स अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप ना, अच्छा मेरे पास एसिड और इसको अपन ने OH- माइनस, तो प्रोडक्ट तो अपन फिर ना ये वाला बीटा हाइड्रोजन एटम चेक करेंगे,
ये ज्यादा एसिडिक है या ये ज्यादा एसिडिक, ये वाला ज्यादा एसिडिक है, समझ ना सीख। तो इधर से प्रोटॉन निकालेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये भी करेगा, बन गया पूरा। प्लस सल्फर ही अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इससे भी यही बड़ा बना। अच्छा मान लो मुझे सी और ई में कंपेयर करना है कि किसमें रिएक्शन फास्ट होगा, तो कैसे बताएंगे इन दोनों में से किसमें रिएक्शन फास्ट होगा? ये भी एसिड किसमें रिएक्शन फास्ट होगा, जिसकी लीविंगबिलिटी अच्छी होगी उसमें रिएक्शन फास्ट होगा, किसका लीविंगबिलिटी अच्छा है? तो इसमें फास्ट होगा, सही। चलो अब बताओ डाउट्स, ये दोनों रिएक्शन हो गए, बाकी मतलब डिपेंड करता है कि बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो एनायन ज्यादा स्टेबल करेगा। नेक्स्ट पेज चले, हाँ सर। इफ गामा कार्बन एटम इज 4, देन मतलब ऐसे हो, तो अब इसमें क्या होगा ना, इधर इधर तो स्टैटिक इंफ्लुएंस है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है। अब इतना ज्यादा स्टैटिक इंफ्लुएंस है कि इधर से कोई बेस प्रोटॉन नहीं निकाल पाता, अभी बेस इधर से प्रोटॉन नहीं निकालेगा तो कोई भी बेस यहीं से ही निकालेगा प्रोटॉन ड्यू टू स्टैटिक इंफ्लुएंस। ये बनेगा E2 mechanism। तो अगर गामा कार्बन एटम पे 4 डिग्री है, अल्फा बीटा गामा, अगर 4 डिग्री कार्बन एटम है तो हॉफमैन एलिमिनेशन। बाकी आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई अगर ऐसे है वो सब तो थोड़ा अपन देख के रखेंगे भाई, कि मान लो मेरे पास ऐसे है ना, और यहां पर और इसको मैंने एल्कोहलिक एसिड से लिख दिया, तो एक बात पता है इधर अगर ये प्रोटॉन निकाल के बीआर पटाऊंगा ना तो सिन एलिमिनेशन होगा, सो एंटी एलिमिनेशन इज ऑलवेज प्रेफर्ड नो मैटर व्हिच इज फॉर्मड। फॉर एंटी एलिमिनेशन विल राइट इट, दिस विल बी द प्रोडक्ट। मतलब एंटी एलिमिनेशन होगा, डजंट मैटर हॉफमैन प्रोडक्ट इज अ मेजर प्रोडक्ट।
E2 में कर। तो इनमें तो हमेशा ही बनेगा। चार जो मेथड बताए, बाकी में अपन को चेक करना पड़ेगा। मान लो मैंने ऐसे लिखा, अब मैंने तुमसे कहा कि यहां पर मैं बेस के साथ रिएक्ट करता हूं इसको, तो आप क्या कहोगे? सर पहले N9 बनाऊंगा बिकॉज दिस इज अ पुअर लेबल ग्रुप, इधर से N9 बनेगा। इधर शिफ्ट होगा, ये लीव पड़ेगा, तो अपन क्या करेंगे? ऑफन प्रोडक्ट बना। लेकिन अगर अपन कहेंगे ऐसे है तो ऐसे अपने पास, तो फिर मैं इसके साथ मेरे एल्कोहलिक लेवल के साथ ऐसे, फिर मैं N9 इस तरफ बनाऊंगा, वो ज्यादा स्टेबल हो गया। तब फिर मैं ऐसे नहीं कह सकता कि यहाँ हॉफमैन ही बनेगा, ये तो आप N9 बना के बता रहे हैं C भी जैसे। अब बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन फ्रॉम ORM 1, 2, 3, 4? पहले 4 पूछ लो, फिर आपको अपनी मर्जी, आप जो चाहते हो। हाँ, एनीथिंग, मैं तो ORM 1, 2, 3, 4 लिखने वाला, आप जो मर्जी चाहो पूछो। क्या फर्क, पार्ट लिख देना बस, इस पार्ट अल्फा बीटा एलिमिनेशन है ना, E2 है तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन, E1 CV है ना, एलिमिनेशन है ना, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन ही तो होगा। अल्फा बीटा एलिमिनेशन नहीं बनाए तो उसमें तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा, पूछ। सर ये सेकंड पार्ट को हॉफमैन क्यों नहीं बोला, मतलब जैसे बाकी सब वगैरह तो वैसे ही कर रहे हैं ना। चल बे, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बना, इस तरह बनता तो कम सब्स्टिट्यूट होगा। हाँ समझा सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा तो क्या करता है, पार्ट टू का 6 और 12 चलेगा। ठीक है, मिल गया। अरे यार ये तो हो गया ना, ये तो कर सकता है ना तू अपने आप, अभी तो बताया हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, इधर नाइट्रोजन है, इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर CH2 CH3 है, और इधर टर्शियरी ब्यूटाइल है, नहीं एन ब्यूटाइल, तो CH2 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 और CH3 है। अब बेस के साथ हीट करेंगे तो बड़ा इजी है ना, अपन को पता तो है कैसे बताना, कोई बात नहीं, मतलब भाई पहले किया होगा ना, नहीं पता होगा तुझे,
तो इसलिए पूछ लिया उसको भाई बीटा अपने पास ये है, बीटा अपने पास ये है, बीटा अपने पास ये है, बीटा अपने पास ये है। सबसे पहले ये रिएक्ट करेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बता दिया तो बन गया ये ले प्रोडक्ट हो गया, ऐसे बताते हैं प्रोडक्ट हो गया। भाई फर्स्ट भी पूछ रहा है, मैं फर्स्ट वाला भी बता दूं एक बार, फर्स्ट वाले को देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। वन में गिवन है कि डिहाइड्रेशन बताओ, देख भाई डिहाइड्रेशन टेक प्लेस बाय कार्बोकेटाइन, वाया कार्बोकेटाइन। अब देख ए वाले में तो मैं कार्बोकेटाइन ही नहीं बना पाऊंगा, कैसे बनाऊ, पॉसिबल ही नहीं है, वो ड्राइंग है। बी वाले में बना लूंगा कार्बोकेटाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इधर हाइपर कॉन्जुगेशन है, इधर भी हाइपर कॉन्जुगेशन, वो थोड़ा दूर है। सी वाले में तो मैं उसका डिहाइड्रेशन, अच्छा दो दो OH चलेगा, एक OH इधर है, एक OH इधर, और डी वाले में अपन ऐसा बना। अब इसमें कार्बोकेटाइन अपन ऐसे बनाएंगे, कार्बोकेटाइन भी तो बना, और इसमें कार्बोकेटाइन अपन ऐसे बनाएंगे, इधर ऐसे कार्बोकेटाइन। अभी यार इसने कंफ्यूज कर दिया अपन को, पता ये लिख के कि वो लिख रहा है मैक्सिमम डिहाइड्रेशन किसमें होगा, अभी मैक्सिमम तो नहीं हो पाएगा लेकिन आंसर वो मैक्सिमम मतलब ये पूछ रहा होगा, मैक्सिमम डिहाइड्रेशन टेक प्लेस इन मतलब फास्टेस्ट, इसमें एक बार, अब इसमें मैक्सिमम मतलब एक OH, क्योंकि इन सब में एक एक OH है ना, तो दो को कैसे निकाल सकते हैं, तो अपन क्या कहेंगे इधर अनस्टेबल है तो बनेगा नहीं, इधर स्टेबल है बन भी जाएगा और जल्दी से अपन को प्रोडक्ट भी अच्छा खासा स्टेबल बनेगा कॉन्जुगेशन में, इधर अपने पास ये बनेगा लेकिन कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, इधर अपन ये बनाएंगे बट कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। अगर फास्टेस्ट पूछ रहा है तो ये आंसर है, अगर अमाउंट भी पूछेगा तो इसमें अंतर करूंगा, लेकिन एक ही OH निकालने के लिए अपन से अंतर पूछेगा कि एक OH निकालना है। सर अमाउंट वाले कैसे बताए कि सी है ओल्ड, अमाउंट वाले में क्या होगा ना दो निकलेंगे इससे वाटर, इससे एक एक ही निकल पाएगा, अगर अमाउंट पूछे कितना वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकता है तो फिर हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैन बी लॉस्ट बाय, अब वो क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब ही नहीं, दो OH होंगे तो दो ही निकलेंगे बाकी सब में तो एक है, वो क्वेश्चन भी मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आंसर वो सी बी आंसर होगा। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। Which of the following upon treatment with tertiary butoxide followed by addition of bromine water fails to decolorize bromine water? देख भाई, aromatic stabilized double bond bromine water को decolorize नहीं कर सकते। Aromatic stabilized मतलब अगर अपन कहेंगे तो ये bromine water को decolorize नहीं कर सकते। No reaction. लेकिन अगर ऐसे होता तो रिएक्शन में कर देता, ये रिएक्शन देगा तो एरोमेटिक्स तो ये है ना, ये थोड़ी एरोमेटिक स्टेबलाइजर ये देगा भी, ये वाला डबल बॉन्ड थोड़ी एरोमेटिक स्टेबलाइजर, एरोमेटिक स्टेबलाइजर तो ये वाला। चल देखते हैं क्या बोल रहा है, पहले ये कह रहा है कि टर्शियरी बिटॉक्साइड से रिएक्ट करो, करो फर्स्ट वाले में पीएच है, सीएच डबल बॉन्ड सीएच है टर्शियरी बिटॉक्साइड के साथ, फिर पीएच दूसरे वाले में टर्शियरी बिटॉक्साइड से रिएक्ट करूंगा तो ऐसा बनेगा, तो ऐसे बनेगा
ऐसे बनेगा। मैं आंसर लिख ले रहा हूँ, दूसरे वाले थर्ड वाले में, थर्ड वाले में अपन को आंसर ऐसा मिलेगा। इसमें भी आ गया। और फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले में तो एलिमिनेशन ही नहीं होगा, फोर्थ वाला ही आंसर होगा। फोर्थ वाले में तो अल्फाबेट एलिमिनेशन ही नहीं होता, वो तो ऐसे क्यों बने यार। ये तो केवल से मतलब टर्शियरी बेटॉक्साइड से एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा ना, इसमें तो डबल बॉन्ड बनेगा। तो फिर क्या करें, तो अपन कहेंगे भाई इसमें टर्शियरी बेटॉक्साइड से रिएक्ट करना है, कैसे हो जाएगा ये, इसका नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करके और SN2 जैसे अपन ने अभी लिखा था ना, अब इसका नेक्टाजर न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफाइल का नेक्टाजर बेस, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा ना फिर, और एरोमेटिक स्टेबलाइज तो कर नहीं सकते। तो इसमें तो डबल बॉन्ड जो दिख रहे हैं तुमको वो सिर्फ एरोमेटिक स्टेबलाइज है ना सारे के सारे। तो इसमें तो ये डीकलराइज कर देगा, इसमें ये डीकलराइज कर देगा, इसमें ये डीकलराइज कर देगा, लेकिन इसमें बाहर नहीं है ना कोई, इसका प्रोडक्ट तो ऐसे बनेगा टर्शियरी बेटॉक्साइड ये प्रोडक्ट। अब इसमें अपन को डबल बॉन्ड दिख ही नहीं रहा कोई, सब के सब डबल बॉन्ड तो एरोमेटिक स्टेबलाइज। पहले तीन में डीकलराइज कैसे होगा बता दो ना। किस वाले पहले तीन में ये हो गया ना एरोमेटिक स्टेबलाइज थोड़ी है, बी आर टू वाटर ऐड कर दे ले हो, बी आर टू वाटर जो है ऑरेंज सॉल्यूशन होता है, कलरलेस हो गया, ये हो गया बी आर टू वाटर ऐड कर, ऑक्सीजन है बी आर टू वाटर में, पहले बी आर का ऐसे साइक्लिक ब्रोमोनियम आई, इधर ज्यादा स्टेबल है तो इधर OH बने। इसमें भी अपन कहेंगे साइक्लिक ब्रोमोनियम आइन बनाओ, ज्यादा स्टेबल इधर होगा तो इधर OH आएगा, इधर बी आर आते बना दो ले गए, ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आइन बनाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज बन ही नहीं सकता तो इधर बन सकता है, तो इधर वाटर ऐड करना है, वो अच्छी बना देता हूँ। मतलब फोर्थ वाले में एलिमिनेशन नहीं होता इसलिए सब्स्टिट्यूशन करा दिया अपन ने। हाँ है ही नहीं ना, डबल बॉन्ड होगा तो ब्रोमीन वाटर होगा। हाँ सर। अब हाँ फोर्थ वाले में तू ये पूछ रहा था कि वहाँ एलिमिनेशन नहीं हो रहा सर इसलिए आपने सब्स्टिट्यूशन, हाँ वही किया, वही किया। और बताओ XA3 के पार्ट टू में ऑनलाइन वाला, पार्ट टू का ऑनलाइन, ऑनलाइन का 1512 चल, 1 6 भी है चले, एक मिनट ऑनलाइन वाला क्या है, अच्छा 1 भी पूछा ठीक है 1। अब देख ये तो पिनकल पिनकलोन हो गया यार, अब जो नहीं बताओगे उसमें तुम डाउट जरूर पूछ लोगे। अभी तुमको पता है ना NaNO2 और H2SO4 क्या बनाएगा, HNO2 ना, और HNO2 क्या बनाता है, डाइजोनियम सॉल्ट, इससे थोड़ी बनता है। ये अब क्या करो, माइग्रेट कर लिया, ये लीव करेगा पेनेक्लोन बना दे, ये ले बन टू आंसर हो गया 5 में अपन को गिवन है। Which of the following है? Readily give
डीहाइड्रोहैलोजनेशन। हाँ तो ठीक है, देख लेते हैं यार किसमें सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो पहले वाले की बात करते हैं, वन वाले के। तो अपन कहेंगे भाई इसमें तो डीहाइड्रोहैलोजनेशन होगा ही नहीं, और डबल बॉन्ड पहले से अटैच है, फट तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार, मुश्किल है, थोड़ा दूसरा। इसमें भी डबल बॉन्ड अगर पहले से अटैच है थोड़ा मुश्किल है, बट डीहाइड्रोहैलोजनेशन होगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पहले से डबल बॉन्ड से अटैच है। तो इसमें डबल बॉन्ड से अटैच होगा तो इसके लिए उनके पहले से डीलोकलाइजेशन बना है, तो वो पार्शियल डबल बॉन्ड से होगा, अच्छा नहीं होगा, कहीं सिंगल बॉन्ड ढूंढता थर्ड में, अरे यार ये भी डबल बॉन्ड से अटैच है, ये तो अपन को बनाने में लगेगा। ठीक है चलो, अब ये भी डबल बॉन्ड, ये भी मुश्किल है, लास्ट हो गया, सारे डबल बॉन्ड है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपने तो सभी जगह भी बना दिया हमें। चलो अब अपन देखते हैं कि सभी जगह डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर अगर बॉन्ड बनाऊंगा तो लीनियर कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो रिंग के भी बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में होंगे, और तो फिर इसी को बना दूंगा सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है, इसमें कॉन्जुगेशन कम होगा। इसमें तो थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि कॉन्जुगेशन भी नहीं है, और इसमें तो बहुत ज्यादा ही मुश्किल होगा क्योंकि पहले से रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस वगैरह तो होगा नहीं, इसमें पहले से ही मतलब ये है बेंजाइन बना है, बेंजाइन में तो वैसे भी ये भी sp2 होता है, ये भी sp2 होता है बेंजाइन, बेंजाइन तो खुद ही अनस्टेबल होता है, इंटरमीडिएट बनता है। एक और जगह से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं सर, तो एलीन टाइप बन जाता है, वाला आपने क्यों निकाला? अब एलीन क्यों बनाऊंगा जब एल्कीन बन सकता है, एल्काइन बन सकता है, एलीन क्यों बनाऊंगा? एल्कीन तो बहुत, एलीन तो बहुत अनस्टेबल होता है, बोलो, एलीन तो बहुत अनस्टेबल होता है, वो क्यों बनाऊंगा? एलीन तो हाईली अनस्टेबल होता है, जब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो एलीन की बात करूंगा। अब अपन क्या करें इससे, NaOCH3 और हीट, मतलब आप एलिमिनेशन करना चाहते हो, वन इक्वल, ठीक है, मतलब एक बार डीहाइड्रोहैलोजनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक तो, और हीट तो क्या चाहता है ये, तो बनाओ इसमें प्रोडक्ट, क्या बनाओगे? बताओ, ये तो एलिमिनेशन है यार, ये तो एलिमिनेशन है, सीधा सीधा एलिमिनेशन में क्या बनाओगे? अपन तो कहेंगे देख भाई मैं एलिमिनेशन अल्फा बीटा इसका भी कर सकता हूँ, इसका भी कर सकता हूँ, लेकिन ये बेस है यार, सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन एटम ढूंढना है, मेरे पास तीन हाइड्रोजन से जा सकता हूँ, या तो इसको अटैक के सीएल हटाऊंगा, या इसको अटैक के सीएल हटाऊंगा, या इसको इसको अटैक के ये सीएल भी हटा सकता हूँ, इससे मैं कुछ नहीं कर सकता, ये हटाता हूँ, मेरे पास दो चॉइस है, बस दो चॉइस में आप बता दो कि मतलब किस हाइड्रोजन को हटा, इसको हटा के यहाँ बॉन्ड बना के इसको हटा सकता हूँ, इसको तो भूल जाता हूँ, उससे अच्छा तो मैं इससे डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन, इधर तो भूल ही जाता हूँ मैं। अब अगर इसके साथ रिएक्ट करूंगा ना तो ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो पहले मैं एसिड बेस रिएक्शन करूँ या डायरेक्टली एलिमिनेशन करूँ? तो अपन कहेंगे एसिड बेस करो क्योंकि NO2 से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो फिर इससे करो बस, हो एसिड बेस करो रिएक्शन बना देता है, ये CH3 है, ये Cl है,
उधर एनायन बनाऊंगा, इधर एसिड भी लूंगा, एनो भी वैसे रहेगा, लो भाई प्रोडक्ट बन गया। फोर्थ वाला आंसर होगा इसमें 12th है कहा, तो 11th तक ही है, मैंने इसमें 12th तो है ही नहीं, तो पूछो था ऐसा। तो भेज दे अपने ग्रुप पे, मैं ग्रुप पे मतलब क्लिक करके मैं भेज मैं कर देता हूँ, ठीक है भेज दे मैं कर देता मिल गया मिल गया मिल गया। अच्छा देख, हाँ देख लिया मैंने, तो CH3 CH2 CH2 Br, यार तुम लोग क्वेश्चन भेजते तो मैं कर नहीं पाता इसमें इतनी जल्दी। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन भी करना है अपन को और एलिमिनेशन भी करना है अपन को, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूशन करूंगा जेड, हाँ इसमें Br जेड नेगेटिव भी तो है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? ओके अच्छा Z मुझे गिवन है, अब यार तुमने इतना गड़बड़ कर दिया था, दो अलग अलग भेज दिए सब गड़बड़, ऊपर फिर से देखना पड़ेगा मुझे KS is substitution और elimination, ठीक है? तो ठीक है ना यार, सीधे सीधे करते हैं ना, CH3 CH2 CH2 Br, मैं जल्दी से लिख लेता Z plus Br negative है, और इसमें CH2 CH double bond CH2 है, और इसमें HZ होगा और Br होगा, ठीक है? अब इसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, KS लिखा है और ये K एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन हो रहा है। अब मैं दूसरा देखेंगे, वो अपन ने उसने अपन को Z बताया है, तो जब अपन सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना और एलिमिनेशन कर रहे हैं, अच्छा Z अपन को ये A हो सकता है या B हो सकता है, तो ठीक है ना यार, अगर Z A है तो सब्स्टिट्यूशन कर देगा, B है, रेट बताना है, ये लिखा है K K2 और रेस्पेक्टिवली द रेट कांस्टेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन mu इज इक्वल टू KS अपॉन द करेक्ट ऑप्शन इज म्यू ए इज ग्रेटर देन म्यू बी। इसमें म्यू का नहीं समझ रहा है, कैसे देखना? म्यू का मतलब ये बोल रहा है, ये रेट बोल रहा है, म्यू इज द म्यू इज इक्वल टू रेशियो लिखा है वो, मतलब रेट कांस्टेंट, म्यू इज इक्वल टू के एस अपॉन के ई, मतलब किसमें जिसमें एलिमिनेशन फास्टर हो तो ये छोटा हो जाएगा, जिसमें सब्स्टिट्यूशन फास्टर होगा तो ये बड़ा होता है, तो अपन क्या समझे ना, तो ए और बी में अपन क्या कहेंगे, अगर ए वाला अगर C2H5 है तो बी वाला तो बेस ही होगा यार, तो अपन क्या करेंगे, अगर म्यू ए इज ग्रेटर देन म्यू बी तो फिर सब्स्टिट्यूशन फास्टर होगा एलिमिनेशन, तो फिर सब्स्टिट्यूशन फास्टर होगा, इसमें तो सारे के ही अगर म्यू ए इज ग्रेटर देन म्यू बी तो
elimination in B is faster. ठीक है, तो अपन कहेंगे उसमें elimination of B faster हो जाएगा. बी वाला तो एलिमिनेशन ज्यादा करेगा ए के कंपैरिजन में, क्योंकि ये तो बल्क की वजह से, ये तो सब्स्टिट्यूशन ही करेगा मोस्टली, क्योंकि ए और बी में अमंग ए एंड बी दिस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, ये स्ट्रॉन्गर बेस है. अगर ये स्ट्रॉन्गर बेस है मतलब कि के ई ऑफ बी इज ग्रेटर देन के ई ऑफ ए. तो अगर के ई ऑफ बी इज ग्रेटर देन के ई ऑफ ए, मतलब के ई ऑफ बी, तो म्यू बी छोटा हो जाएगा. और अगर आप ए लिखोगे तो के एस अपॉन के बी, के एस अपॉन के ई ऑफ ए, तो अपन कहेंगे देख ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसने के ई से ही पूछा अपन से. तो अगर अपन के ई बड़ा हो के बी, अपन को पता है के बी बड़ा होगा के ई से, तो म्यू अगर ये बड़ा होगा इससे तो म्यू ए बड़ा होगा म्यू ए से. ये वाला ऑप्शन ढूंढ लेंगे. सर सीधा ऐसे नहीं बोल सकते कि बी में सब्स्टिट्यूशन आता अच्छा होगा तो, और एलिमिनेशन कम अच्छा होगा तो फिर यूएस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और ए में लेसर देन 1 हो जाएगी. हो सकता है बिल्कुल, मैं तो उसी से ही सॉल्व कर रहा था, लेकिन थोड़ा म्यू देगा तो म्यू से भी सॉल्व कर लेते हैं. अब बताओ, हो गया? एक मिनट सर. हाँ सर हो गया. चलो फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अपन क्या करना है. सर एक मिनट, एक और डाउट. ठीक है भाई जी. अपने पास गिवन है ऐसे, ये सी एच थ्री है, ये सी एच है, पॉजिटिव चार्ज है और सी एच थ्री है. एच सी एल से ये करना है, मेजर प्रोडक्ट बताना है, कोई बात नहीं. ओ एच पहले लिख दिया है, पॉजिटिव चार्ज थोड़ी बनाई ये है. एच सी एल से ये करवाना है, मेजर प्रोडक्ट बताना है, बताओ मेजर प्रोडक्ट हो गया भाई. देख H plus N को अटैक कर कार्बोकैटायन बनाते हैं. अब HCl dehydration थोड़ी शो करता है, सब्स्टिट्यूशन शो करता है. इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर CH3 है, तो इधर से हाइड्रेट शिफ्ट कर दो, ये बन CH2 CH3, इधर Cl लगा देना, हो गया. क्या बना रहा है? लिखना पड़ेगा आपको ड्राई एचसीएल. एचसीएल डिहाइड्रेशन नहीं करता, ठीक है? एक मिनट सर.
हो गया सर। तो नेक्स्ट टाइम डाउट्स किसके करोगे? सर कर नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन का होगा सर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन और पहले ये करेंगे फिर ये, ठीक है चलो बोलते हैं।